सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस आ रही होगी सभी तक एक बार कंफर्म कर देंगे गुड इवनिंग सभी को सिमरन रोमन अभिषेक अंजलि निर्मल तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स ठीक है अगर मैं पॉलिटी में बोलूं कि जिसे क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं वो एक तो एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो अगला चैप्टर है थोड़ा बहुत डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद जो है आपका पार्लियामेंट चैप्टर क्या जो सर अभी हमने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं था मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो ठीक है जैसे सिटीजनशिप उतना ज्यादा नहीं क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन जो फंडामेंटल राइट चैप्टर है इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं सबसे ज्यादा अगर मैं कोई एक चैप्टर इंपॉर्टेंट बोलूँ तो वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर सेंड टू दी इंग्लिश मतलब तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बनाई थी पहले फिर हमने प्रियम्बल और सोर्सेज वगैरह देखे थे शेड्यूल्स देखे थे फिर कल हम लोगों ने पार्ट वन यानी चैप्टर वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और वो क्या था वो था यूनियन एंड टेरिटरीज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यानी संघ व उसके राज्य क्षेत्र पढ़े थे हम लोगों ने पार्ट वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और वो कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक थे जल्दी से बताइए कमेंट में तो उसकी अगर हम बात करें आर्टिकल एक सेकंड रुकेगा तो उसकी अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर वन से लेकर फोर तक था ठीक है अनुच्छेद एक से लेकर चार तक फिर अगर हम बात करें पार्ट टू भी हमने कली पढ़ा था वो किससे डील कर रहा था वो डील कर रहा था सिटीजनशिप से यानी कि नागरिकता से और ये कहाँ कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक था चार से यहाँ तक खत्म हो गया था देन यहाँ से स्टार्ट होगा आप ऐसे पेज नंबर टाइप समझ सकते हो ठीक है आर्टिकल नंबर फाइव से लेके इलेवन तक कि चौथे पेज के बाद ऑब्वियस यही बात है पाँच में स्टार्ट होगा तो ये हमने देख लिया था ये सारी चीज़ें देख ली थी कि वन टू थ्री में सब क्या था फोर में क्या था देन फाइव टू इलेवन वाले तो उतने इंपॉर्टेंट थे नहीं बस हमें ये पता होने की ज़रूरत थी कि भाई पार्ट टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और सिंगल सिटीजनशिप ने यूके से लिए सारी चीज़ें देखी थी फंडामेंटल राइट्स अब अगला वाला पार्ट होगा यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज के लेक्चर में जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक होगा इलेवन यहाँ पे खत्म हुआ है ठीक है ये जहाँ तो पे भी हमें ये फंडामेंटल राइट्स को शॉर्ट में एफ आर लिखूंगा ठीक है तो इलेवन पे खत्म होकर ऑब्वियस से बात है ट्वेल्थ पे चालू होगा तो ट्वेल्थ से लेके थर्टी फाइव तक है अनुच्छेद बारह से लेके पैंतीस तक के बारे में हमें इसके बारे में पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये बोरो कहाँ से किए हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं जरा आप बताइए कॉमेंट में इनको हमने कहाँ से बोरो किया है यानी हमारा सोर्स क्या है तो यू का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोर्स है यानी अमेरिका से हम लोगों ने हमने इन, इनको बॉरो किया है अमेरिका में रहते थे या फिर रहते हैं बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स एग्जिस्ट करते थे तो वहाँ से इंस्पायर होकर हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा लेकिन अगर हम सबसे पहले बोलें कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन कहाँ पे हुआ तो इनको एज अ मैग्ना कार्टा इंट्रोड्यूस किया गया किया गया था ब्रिटेन में सबसे पहले यूके एम दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम में ये एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं जो रिच क्लास होता था उसको कुछ सर्टेन राइट्स दे दिए गए थे मैंने आपको पहले बताया था कुछ सर्टेन राइट्स दे दिए गए थे और वही फिर आगे कॉन्टिन्यू रहे तो वही राइट्स जो हैं बाद में इस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का रूप लिए ठीक है सबसे पहले इसका ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटेन में हुआ था एज अ मैगना काटा और हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इसको इंस्पिरेशन लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्लियर अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कितने हैं तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सही सोसाइटी बनानी है क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लें कि अगर ये ना हो तो क्या हो जैसे कि कई सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम फॉर ग्रांटेड ले, ले लेते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले लेते ले हैं ले 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 जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लें अभी हम आपको बोल दें कि आपकी आँखें भगवान न करें खराब हो जाए ठीक है आपकी आँखें निकाल लें तब आपको असली वैल्यू पता चलेगी कि आँखों की वैल्यू क्या थी अभी तो ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हो आप बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में जब हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनमें से एक फंडामेंटल राइट right भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डाल के गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये ना होते तो क्या होता इमेजिन करो जो सरकार है वो आपके साथ क्या क्या करती जो रिच क्लास है वो आपके साथ क्या क्या करता जो दबदबे में है जिसके पास पावर है वो आपके आपके साथ क्या क्या करता अतीक अहमद और ये सब अपने नाम सुने होंगे फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद भी कोर्ट्स होने के बावजूद भी ये सब इतना करते थे ठीक है समझ रहे हो आप और अगर ना हो फंडामेंटल राइट्स तो फिर वो सब अतीक अहमद तो छोड़ा गवर्नमेंट ही क्या हल करेगी वो आपको पता है ठीक है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो तो मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कितने मौलिक अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तो प्रेजेंट टाइम में जो छह गोले आप देख पा रहे हैं छह सात गोले हैं ठीक है लेकिन ये तो फंडामेंटल राइट्स right है मौलिक अधिकार ये तो टोटल सिक्स यहां पे सर्कल्स हैं और ये जो हर सर्कल में जो लिखा हुआ है वो एक फंडामेंटल राइट right है मौलिक अधिकार है लेकिन ध्यान रखिएगा ओरिजिनली ठीक है यानी कि जब हमारा संविधान बना था ओरिजिनली जब मैं बोलता हूं तो आप समझ जाते हैं ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन की मैं बात कर रहा हूं तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो टोटल सेवन फंडामेंटल राइट्स है सात मौलिक अधिकार थे लेकिन अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट यानी मौजूदा समय में कितने अधिकार हैं तो उसका उत्तर होगा छः और ये एक कौन हटा तो ये एक हटा है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जिसको कि हम संपत्ति का अधिकार बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो दो जगह था ये आर्टिकल नंबर थर्टी वन अनुच्छेद इकतीस में डला हुआ था और आर्टिकल नंबर नाइनटीन एफ में डला हुआ था यहाँ से हमने इसको हटा दिया अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमें करना पड़ता है अमेंडमेंट तो इसमें इसके लिए भी किया गया था अमेंडमेंट एंड दैट वॉज फोर्टी नंबर का अमेंडमेंट चवालीसवा संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था 1978 ने इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों वाली लिस्ट से हटा के इसको डाल दिया आर्टिकल नंबर 300 ए अनुच्छेद 300 का यानी कि पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया है और अगर आपको फंडामेंटल राइट right बनना है मौलिक अधिकार तो आपको पार्ट थ्री में रहना पड़ेगा और तभी सब कोई आपकी इज्जत करेगा अब कौन इज्जत करेगा क्यों इज्जत करेगा भी हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं तो ऑब्वियस से बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात पता थी कि इनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है ताकि इन पर कोई ज्यादा जल्दी फल्दी हाथ ना लगा पाए ठीक है तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही सिक्योर बनाया और कैसे बनाया वो हम देखेंगे तो ये इनको पार्ट थ्री से हटा दिया गया अब ये लीगल राइट यानी कि अब इसको फुल इज्जत नहीं चाहिए फुल इज्जत मिलेगी भी नहीं ठीक है क्योंकि अब ये लीगल राइट हो चुका है एक विधिक अधिकार हो चुका है कानूनी अधिकार हो चुका है क्लियर है क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया फोर्टी फोर्थ कहाँ है थ्री हंड्रेड ए में किस तरह का राइट है अभी लीगल राइट है ठीक है यहां तक आई होप सभी को क्लियर होगा अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे अदर ये फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं तो कौन कौन से सबसे पहले अगर हम बात करें मैंने आपको बोला कि आर्टिकल नंबर ट्वेल्व से लेकर थर्टी फाइव तक में बारह से लेकर पैंतीस तक में क्या दिया हुआ है मौलिक अधिकार दिए हुए हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वलिटी जो समानता का अधिकार है हमारा पहला राइट right है चौदह से लेकर अट्ठारह तक जो आर्टिकल्स हैं वो इसको लेकर डील करते हैं इसकी चर्चा करते हैं अठारह खत्म हो गया फिर क्या चलोग उन्नीस उन्नीस से लेकर बाईस तक राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है यहां पे समानता का अधिकार यहां स्वतंत्रता का अधिकार 22 खत्म हो गया देन 23 और 24 जो हमें है देते हैं 23 और 24 देते हैं राइट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर ट्वेंटी फाइव से लेकर ट्वेंटी एट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट अट्ठाइस खत्म हो गया उन्तीस से तीस ये हमें क्या देते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और आखिरी हमारा आर्टिकल नंबर थर्टी टू बिकॉज थर्टी वन तो जा चुका है अब ये थर्टी टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि हम बोल सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्लियर तो सात थे अभी छः हैं क्योंकि एक जा चुका है अब थोड़े से इसके बेसिक समझ लेते हैं बेसिक्स इन सेंस कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कितने पावरफुल हैं ये वो थोड़ा समझ लेते हैं तो इसको लेके ना हमारे पार्लियामेंट और जुडिशरी जुडिशरी आप समझते हैं ना मैंने आपको तीन विंग्स बताए थे डेमोक्रेसी के तीन विंग्स क्या बताए थे डेमोक्रेसी के फिर तीन पिलर्स क्या बताए थे एक मैंने बताया था लेजिस्लेचर विधायिका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जुडिशरी न्यायपालिका ये कानून बनाती है ये उसको एग्जीक्यूट करती है इम्प्लीमेंट करती है और ये उस पर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसको रिव्यू करने का काम करती है पहला दूसरा कि उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको देखने का काम करती है तो जुडिशरी जो है और इसके बीच में हमेशा लड़ाई चलती रही जुडिशरी क्या लेके बैठा था जुडिशरी बोल रहा था कि तुम फंडामेंटल राइट्स ये लेके बैठा हुआ था मौलिक अधिकारों को लेकर की मौलिक अधिकार को तुम नहीं छू सकते ये क्या था इसको क्योंकि ये सरकार एक तरह से समझ ऐसे समझ लो बट एक्चुअल टर्म्स में तो सरकार ही है लेकिन अभी के लिए मान लो ये सरकार है सरकारी है अगर हम देखें तो इन लोगों को मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि मौलिक अधिकार जो है इनके रास्ते में अड़ंगा बन जाते हैं इनके रास्ते में थोड़ा सा जो है अड़ंगा क्रिएट कर देते हैं तो इसलिए इनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहा उस डिस्प्यूट को अगली क्लास मंडे वाली जो क्लास होगी जब हम डीपीएसपी करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो वहां पे उसको देखेंगे ठीक है तो काफी सारे वो चलते रहे तो अब इसको लेके फाइनली जो हमें ये याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सल्यूट पहली बात तो ये फर्स्ट थिंग है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एप्सल्यूट एब्सल्यूट का मतलब क्या होता है एप्सल्यूट का मतलब होता है कि लिमिटलेस लिमिटलेस तो आप समझते हैं ना कि जिनकी कोई लिमिट नहीं है तो वो हम बोल बोल देते हैं कि वो uh, है तो हमारे जो संविधान ये जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है absolute नहीं है यानी कि इनमें लिमिट लगी हुई है अब कैसी लिमिट है वो हम आगे देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है यानी बोलने का अधिकार है लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी को गाली गलौज भी दे देंगे तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट ये एपसल्यूट नहीं है दूसरी चीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सेंक्रोसेंक्ट और परमानेंट सेंक्रोसेंट और परमानेंट सेंक्रोसेंकट का मतलब होता है पवित्र और परमानेंट का मतलब ये होता है कि हमेशा के लिए टेम्प्रेरी होता है कि थोड़े टाइम के लिए इस लाइन का ये मतलब है सेंक्रोसेंकट का मतलब पवित्र होता है जिसपे कोई हाथ नहीं लगा सकता है अब इस पर कौन हाथ लगा सकता है क्योंकि लिखा हुआ नॉट सेंक्रोसेंट पार्लियामेंट यानी कि ये चीज ये बोली जा रही है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को चेंज भी किया जा सकता है सस्पेंड भी किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी जब लगती है ना यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल तो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है एक्चुअली में फंड फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जाता है आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर मैं एकदम लिटरल मीनिंग में जाऊं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लो कि आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं अगर लगा लगाओ राष्ट्रीय आपातकाल और अगर लगा हो मार्शियल लॉ अभी मार्शल लॉ क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी ठीक है अगर मार्शल लॉ लगा हो तो भी यानी कि सिंपल ऐसे समझ लो मिलिट्री रूल यानी कि मिलिट्री का शासन लगा हो तो भी आपके मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है तो इस इसलिए ये ना तो परमानेंट है ना तो सैंक्रोसैंक है और ना ही एप्सल्यूट एप्सल्यूट का मतलब ये ऐसा नहीं कि लिमिटलेस है इनमें लिमिट है वो क्या लिमिट है हम देखेंगे अभी आगे इज दैट क्लियर अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार बारह से शुरू होकर पैंतीस तक जाते हैं इकतीस का मैंने नहीं बताया वो चलता है क्योंकि मैंने बता दिया इकतीस में पहले राइट टू तो प्रॉपर्टी पड़ा हुआ था तो वो हट गया लेकिन आपने एक चीज नोटिस की मैंने बारह और तेरह स्किप कर दिया ट्वेल्व एंड थर्टीन नंबर आर्टिकल बिकॉज इनमें फंडामेंटल राइट एक्चुअल में नहीं है तो फिर क्या है आर्टिकल नंबर ट्वेल्व जो है ये स्टेट को डिफाइन करता है मतलब स्टेट का मतलब आप क्या जानते हो यूपी एम बिहार लेकिन एक्चुअल में ये जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स हमारे लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे बहुत सारी जगहों में स्टेट वर्ड का यूज किया गया है तो पहले ही आप आर्टिकल नंबर 14 से फंडामेंटल राइट्स पढ़ना चालू करें इसलिए पहले ही उन्होंने बता दिया है कि जहां जहां आप स्टेट देखोगे उस स्टेट का मतलब क्या है और इन्होंने मतलब बताते ये हुए ये लिखा है कि इसका मतलब यू पी एम समझ समझ लेना इसका मतलब है कि हमारी देश का जो पार्लियामेंट है वो यूपीएम तो है ही है वो भी एक पार्ट है पार्लियामेंट हो गई हमारी गवर्नमेंट हो गई प्रेजेंट ठीक है और हमारा ये स्टेट लेजिस्लेचर हो गया राज्य के विधानमंडल स्टेट की गवर्नमेंट हो गई लोकल बॉडीज हो गई पंचायत म्यूनिस हो गई एलआईसी ये सब जो है ना ये सब स्टेट के तहत आते हैं तो कितना याद रखना है कौन कौन आता है स्टेट के अंदर कुछ नहीं याद रखना है जब ये क्वेश्चन आए ना कि कौन कौन आता है स्टेट के अंदर तो एक ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑल ऑफ ऑफ दीज या फिर अबव वही सही उत्तर है ठीक अनलेस एंड कि आपको लगे कि ये स्टेट के अंदर तो हो ही नहीं सकता है अभी तक तो मैंने कभी ना क्वेश्चन नहीं देखा चाहे यू मतलब क्वेश्चन आया मैं बोल मैंने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा चाहे यूपीएससी हो चाहे एस जिसमें ऑल ऑफ दीज आंसर ना हो ठीक है और ऑब्वियस ये बात बहुत इसका वाइड स्कोप है जितना आप सोच सकते हैं सब कुछ है तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ऑल ऑफ दीज लगाने की जरूरत है आर्टिकल नंबर थर्टीन लॉज इनकसिस्टेंट विद हिंदी में बताने की तो जरूरत नहीं राज्य स्टेट का मतलब हो जाएगा राज्य यानी राज्य की परिभाषा लिखी हुई है इसमें ठीक है आर्टिकल नंबर थर्टीन अनुच्छेद नंबर तेरह लॉज इनकसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कानून है जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जा रहा है उसको जुडिशरी के पास जुडिशरी का मतलब हमारे देश के जो कोर्ट हैं उनके पास ये पावर है कि उसको नल एंड वाइट डिक्लेयर कर सकते हैं मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि खत्म है उसको नलीफाई कर सकते हैं यह पावर है हमारी जुडिशरी के पास लेकिन क्यों क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दे देने का मतलब ये नहीं कि ठीक है आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं उसका कोई प्रिजर्वर भी तो होना चाहिए देख रेख भी तो तो वो दिया है हमारे जुडिशरी को ये पावर कि आप कोई भी अगर ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकार को कहन करता है तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है अब बात यह, यहां पर आती लॉज का यह, यहां पर लॉज को भी डिफाइन किया गया कि लॉज का मतलब क्या तो लॉज का मतलब जितने भी परमानेंट लॉज होते हैं ठीक है जो जनरल लॉज बनते हैं कुछ होते हैं टेम्प्ररी लॉज बनते हैं जिनको हम बाई लॉज भी बोलते हैं टेम्प्री लॉज हो गए हम जब प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप हाँ पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस अध्यादेश जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो कोई लॉ बना सकता है कानून बना सकता है जो काम पार्लियामेंट का होता है वो प्रेसिडेंट कर सकता है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में तो उसको भी लॉ के तहत डील किया जाएगा अब बात ये आती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है संवैधानिक संशोधन इसको लॉ नहीं डील किया जाएगा ऐसा लिखा हुआ है लेकिन फेमस के बी सी केस बताया ना मैंने हां कल हम लोगों ने देखा था केशवंदा भारती केस ऑफ 1973 सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये बोला कि देखिए अगर ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लॉ डील नहीं किया जाएगा लेकिन अगर उसने बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के मूल ढांचे को अगर कुछ उसने छेड़छाड़ करी उसको टच किया बेसिक स्ट्रक्चर को तो फिर हम उसको नल एंड वाइट डिक्लेयर कर सकते हैं सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है मूल ढांचा ऐसे समझ लो ये संविधान में लिखी हुई कोई चीज़ नहीं वैसे तो मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगा आपको लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो ये संविधान संविधान में लिखी हुई चीज़ नहीं है संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ ये के जो केस हुआ था इसी में जन्म लिया इसने बेसिक स्ट्रक्चर ने मूल ढांचे ने जब मतलब एक तरह से समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए एक आ, ऐसा शस्त्र क्रिएट कर लिया है कि वो कभी फेल ही नहीं हो सकता है कैसे कुछ भी अगर कल को पार्लियामेंट पता है बोलेगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये तो हो सकता है तो वही तो हम कर रहे हैं बोलेगा नहीं 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 आज से हम इस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं और फिर तो बेसिक स्ट्रक्चर को तो तो तुम छू नहीं सकते हो याद करो 1973 इसलिए तुम ये नहीं कर सकते हो तो के केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए बहुत अच्छा एक सस्त क्रिएट कर लिया है कुछ भी अगर उसको लगा कि लो, हमारा जुडिश्री बहुत अच्छा है ठीक है आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अगर ये जुडिश्री ना हो ना तो हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी तैसी कर दें हम लोगों की तो क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई हैं बिकॉज पहले जब हमारे फोर फादर्स बना के गए थे कॉन्स्टिट्यूशन तो तब वो चीज़ उनको नहीं पता थी धीरे धीरे टाइम चेंज होता रहता है ना तो वो चीज़ जो है उसका फ़ायदा कभी कई बार गवर्नमेंट उठा लेती हैं तो इसलिए जुडिशियरी हमारा बैठा रहता है ताकि गवर्नमेंट फालतू में कोई चीज़ ना कर सकें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर फोर्टीन पर आते हैं तो अब एक्चुअल जो राइट्स हैं वो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स तो यहाँ से कौन सा राइट स्टार्ट हो रहा है राइट अच्छा ये बताइए कि यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है पहले ये बता दीजिए देन मैं आगे बढ़ता हूँ किसी का यहां तक कोई डाउट तो नहीं है दिन आगे बढ़ते हैं किसी का यहां तक कोई डाउट यस सर ठीक है रोमन पाक ठीक है क्लास फोर का पीडीएफ नहीं डाला ओके okay. मिल जाएगा आपको आज है ना अभी रोमन मिल जाएगा मिल जाएगा ठीक है ओके ओके नो डाउट एडोक कमेटी ऑन सर आपने कल फ... अच्छा आपने फर्स्ट क्लास में एडॉक नेशनल फ्लैग कमेटी का चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद बोला है जो कि बुक में नेहरू लिखा है दूसरी की नेशनल सॉन्ग एंड एंथम सेम डेट चौबीस आपने बोला है हाँ तो चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास ही है और uh, राजेंद्र प्रसाद ही उसका एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग बिल्कुल सही मैंने बोला है ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं आप कौन सी बुक को आप रेफर कर रहे हैं मुझे नहीं पता है ठीक है एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग जो है वो राजेंद्र प्रसाद ही उसके हेड थे ठीक है खैर बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर फोर्टीन पे तो आर्टिकल नंबर फोर्टीन दो चीज़ें बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि विधि के समान समान विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण मतलब दोनों तो सिमिलर साउंड हो रहे हैं बिल्कुल सिमिलर तो साउंड हो रहे हैं लेकिन सेम नहीं है इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इसका मतलब ये है कि का कानून के सामने सभी समान हैं एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ इक्वल एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर लॉ यानी कि कोई कानून से ऊपर नहीं है नहीं नहीं इज़ अ नेगेटिव इसलिए ये नेगेटिव राइट है समझ रहे हैं आप यानी कोई भी कानून से बड़ा नहीं है और कानून के कानून के सामने सभी समान है आपने देखा होगा वो, वो कौन है वो जस्टिस की देती देवी कही जाती है उनकी में पट्टी बंधी होती है है ना जो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी कोर्ट के अंदर वो जस्टिस की जो देवी होती हैं वो यहाँ पे होती हैं और उनकी आँखों में पट्टी बंधी होती है और हम बोलते हैं कानून अंधा है अरे अभी कानून अंधा नहीं वो पट्टी का मतलब ये होता है जो बंदी होती है इसका मतलब ये होता है कि कानून के सामने सभी समान है ना कि कानून अंधा है ठीक है <laughs> कानून देख सकता है मन की आंखों से बस ये है कि वो देख वो उसके सामने आप सभी समान है चाहे आप गरीब हो अमीर हो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको सिर्फ फैक्ट ठीक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब ये है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक पहली बात तो ये हमने यूएसए से कॉन्सेप्ट लिया है एंड इट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ये है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक मतलब शुड बी ट्रीटेड लाइक मतलब इसका ये है कि जैसे आप सभी को पता है कि रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है ठीक है आप चाहे कितना भी कुछ कर लो लेकिन रिजर्वेशन का कुछ हुआ क्यों क्यों नहीं हुआ क्योंकि और गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है रिजर्वेशन में फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मतलब उसके बारे में भी रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है तो क्या लॉजिक क्या है जिसके जिसको लेके अभी तक आज तक चला आ रहा है ये हमारा रिजर्वेशन क्यों इसका रीज़न ये है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैं कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप बी है इसको आप रिजर्वेशन देते हैं हम ग्रुप ए से हमको क्यों रिजर्वेशन नहीं देते हैं क्योंकि जो ग्रुप है ग्रुप बी है ये पहले से ही डिसएडवांटेज पोजीशन पर रहा है इसके पहले ही से ही प्रताड़ना हुई है तो इसलिए उन तुम में और इनमें भेदभाव हो सकता है लेकिन विद इन द ग्रुप भेदभाव नहीं हो सकता जैसे फॉर एग्जांपल एक एससी कम्युनिटी का बंदा और दूसरा भी एससी है उनके बीच में भेदभाव नहीं हो सकता है जनरल का है दूसरा भी जनरल का है उस उनके बीच में भेदभाव नहीं हो सकता है सिमिलरली कल को ये अब अंबानी और अडानी ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें भी दो दो रुपए किलो मतलब गेहूँ चाहिए तीन रुपए किलो में चावल चाहिए ठीक है जो कोटे का आता है वो हमें भी चाहिए तो नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि वो जिनको दिया जा रहा है वो डिसएडवाटेज पोजिशन पर है अंत्योदय स्कीम के तहत ठीक है गरीब लोगों को तो ये मतलब होता है लाइक शुड बी ट्विटेड अलाइक सर फिर से समझा दीजिए नहीं समझाएंगे बस रट्टा मारो जिंदाबाद आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी दो चीज़ें बस ध्यान रख लो ठीक है ये समझ में आया तो ठीक ना समझ में आया तो भी ठीक ठीक है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर बात करें तो इसको हम रूल ऑफ लॉ भी बोल देते हैं कानून का नियम और कभी ये क्वेश्चन पता नहीं आई थिंक एक बार पूछा गया सी में अभी लेटेस्ट में ही ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये एक थे ब्रिटिशर ए वी डाई करके ध्यान रखना ए वी डाई करके थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था ना कमिंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल ध्यान रखिए अभी हम राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार ही पढ़ रहे हैं फोर्टीन में देखा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आर्टिकल फिफ्टीन बोलता है क्या प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स ऑफ सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता है इन इन ग्राउंड्स पे धर्म ठीक है रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इन इसको क्या बोलेंगे हिंदी में धर्म हो गया आपका और मूल वंश हो जाएगा ये आपका जाति हो जाएगा लिंग हो जाएगा और जन्म स्थान इसके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है ये ओवरऑल हमारा आर्टिकल फिफ्टीन है सीजीएल दो में क्वेश्चन पूछा गया कि आप सिनेमा हॉल में गए हैं ठीक है वहाँ पे आपने बगल में देखा कि आपकी मेड भी बैठी हुई आपके जो घर में काम करती है आपका ईगो हट हो गया और आपने उसको बोला निकल लो यहाँ से तो उस मेड के पास कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक्सेस टू शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट होटल्स प्लेसेस ऑफ़ पब्लिक एंटरटेनमेंट जो कि सिनेमा हॉल में आता है तो यानी कि यहाँ पर भी आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता यूज़ ऑफ वेल पहले के टाइम पर क्या होता था कि भाई कुएँ से पानी जब मतलब एक तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय निकाल लेंगे तब नीचे वाली जो काशी शूद्र वो निकाल सकते हैं तो यूज ऑफ वेल टैंक बाथिंग आट रोड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट ये सब ये सब जो है आर्टिकल 15 के तहत कवर्ड है कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है तो इससे आपको एक चीज और सीखनी है वो एक चीज ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडेड अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट बट ऑल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ इंडिविजुअल यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मौलिक अधिकार सिर्फ राज्य के विरुद्ध ही हमें प्रोवाइडेड नहीं है कि जैसे कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती अब आर्टिकल फिफ्टीन में तो कुएँ में स्टेट थोड़ी ना गवर्नमेंट थोड़ी ना खड़ी है कि जो तुमको मना कर रही है कि भेदभाव कर रही है छुआछूत कर रही है तुमसे सिंपल वो कौन कर रहे हैं वो आपस के समाज के लोग ही कर रहे हैं इंडिविजुअल्स कर रहे हैं फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं ठीक है तो उनके खिलाफ भी ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं क्लियर आर्टिकल सिक्सटीन पे आते हैं अनुच्छेद सोलह बोलता है प्रोहिबिशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में डिस्कस करता है कि अगर किसी कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि भाई गवर्नमेंट की नौकरी है गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं हो सकता है मुझे पता है आपका क्वेश्चन तुरंत निकल के आएगा रिजर्वेशन फिर क्यों होता है तो आर्टिकल नंबर सिक्सटीन सब क्लास फोर में लिखा हुआ है कि जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है तो रिजर्वेशन का जो लॉजिक है वो आर्टिकल नंबर सिक्सटीन सब क्लास फोर से निकल के आता है सेकेंड बात है 1978 की मोराजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमीशन बिठाया जिसको बोलते हैं मंडल कमीशन जो कि सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है ये जो बैकवर्ड क्लास कम, कम, हमारी कम्युनिटी होती है जिनको हम ओ बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस तो उनको उन, अभी, अभी तक उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता था वी इन्होंने वी सिंह नहीं मोरारजी देसाई ने एक कमीशन बनाया मंडल करके एक हमारे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय के तो इनके चेयरमैनशिप पर बना ठीक है नाइनटीन के टाइम पर तो और लेकिन एक्चुअली में 1979 में जाके फॉर्म हुई थी ठीक है तो ये अब कमीशन बनाया तो इसके रिकमेंडेशन कुछ ऐसे थे कि 27 परसेंट रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ओ को प्लस इसने बोला कि जो ई डब्ल्यू एस हैं जो मतलब जो अभी आपको पता है ना 10 परसेंट रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी के जो ई डब्ल्यू एस हैं जो बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इतना तो सबको पता होगा तो इस पर्टिकुलर कमीशन के रिकमेंडेशन को नाइनटीन में उस समय नहीं देसाई के समय नहीं कमीशन बनाया तो उन्होंने बस रिकमेंडेशन भी दे दिया लेकिन 1991 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है इन्होंने बोला कि बैकवर्ड क्लासेस को ट्वेंटी सेवन परसेंट रिजर्वेशन देंगे और जो ईडब्लूएस है ईडब्लू को हम टेन परसेंट रिजर्वेशन देंगे एक केस हुआ और उस केस का नाम है फेमस मंडल केस या फिर उसको हम बोलते हैं इंदिरा सहनी केस ठीक है इंदिरा सहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ठीक है 27 परसेंट जो आपने रिजर्वेशन दिया बैकवर्ड क्लासेस को इसको हम अपहेल्ड करते हैं अपहेल्ड का मतलब है कि हम मान लेते हैं स्वीकारते हैं लेकिन जो आपने 10 परसेंट रिजर्वेशन दिया ईडब्ल्यूएस को ये हम नहीं स्वीकारते हैं तो इसलिए तब नहीं आ पाया था और इसने यह भी बोला था कि जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ सीमित रहेगा अपॉइंटमेंट तक प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा ऐसा इसमें जो है आर्टिकल सिक्स ये सॉरी इंदिरा सानी केस में जो है बोला गया था ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आर्टिकल सिक्सटीन में क्या है कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन और किस इसमें भी ग्राउंड्स हैं जैसे इसमें लिखा हुआ ना कि प्रोइबिट्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ध्यान रखना यहाँ पे ओनली वर्ड भी लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक्चुअल बुक है उसमें आप अगर आप देखोगे तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली का मतलब ओन्ली 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 रिलीजन जो उसमें लिखे हुए हैं रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड एक, एक एक्स्ट्रा है एंड दैट इज डीसी वी डी डिसेंसी क्या है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसको आ, निवास स्थान के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ठीक है यानी कि किसी और ग्राउंड पे हो सकता है तो गवर्नमेंट किस ग्राउंड पे ये रिजर्वेशन देती है डिस्क्रिमिनेशन करती है कि भाई पहले से ही ये लोग बैकवर्ड थे उस ग्राउंड पे देती है ठीक है रिजर्वेशन तो आर्टिकल नंबर सिक्सटीन जो है ये बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है जब कोई गवर्नमेंट जॉब की बात आएगी आर्टिकल नंबर सेवनटीन क्या बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन सिंपल छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत नहीं हो सकती है सिंपल ठीक है बिकॉज बहुत पहले तो बहुत प्रिविलेंट थी अब ये भी जो छुआछूत है आप सिंपल लॉजिक लगाइए ये गवर्नमेंट थोड़ी ना करेगी छुआछूत गवर्नमेंट थोड़ी ना करती है तो हम लोग आपस में ही करते हैं ना छुआछूत कि डोंट टच मी तो अब तो खैर नहीं होता है लेकिन पहले तो काफी होता था गाँव वगैरह में तो ये स्टेट खासकर जो सॉरी इंडिविजुअल एक्शन के खिलाफ ये जो हमें राइट right मिला हुआ है आर्टिकल नंबर एटीन जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी समानता के अधिकार के तहत आखिरी फंडामेंटल राइट है दैट इज अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल यानी कि यहाँ पे स्टेट को प्रोहिबिट किया गया है स्टेट का मतलब अभी आप समझ गए ना आर्टिकल नंबर ट्वेल्व में जो डिफाइंड है तो स्टेट का मतलब यह है मतलब स्टेट टाइटल नहीं दे सकता है कौन से टाइटल हेरिडिटरी टाइटल नहीं दे सकता है जैसे कि महाराजा राय बहादुर खाने खाना ये सारे जो हैं खाना वाना ये सब कोई टाइटल नहीं दे सकता है कौन स्टेट लेकिन अगर एकेडमिक टाइटल है या फिर कोई इस तरह का मिलिट्री टाइटल है जहां पे किसी की स्किल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि एजुके अकेडमिक एजुकेशन जैसे कि डॉक्टर की डिग्री लगा डॉक्टर का सब लोग लगाते हैं ना टाइटल इंजीनियर का टाइटल लगाते हैं ना तो ये क्यों लगाते हैं आर्टिकल 18 के, के तहत तो प्रोहिबिटेड है क्योंकि ये एक अकेडमिक टाइटल है ये आपको अपने फादर या मदर से नहीं मिला है ऐसा नहीं कि आपके पिता डॉक्टर थे तो इसलिए आपका डॉक्टर लगा रहे हो क्योंकि आपके पिता इंजीनियर थे तो इसलिए आप इंजीनियर तो तो आप क्योंकि आपने उसको अचीव किया है अपनी मेहनत से तो इसलिए हार्डवर्क को एक तरह से रिकोगनाइज करने के लिए फिर एक्सिलेंस को रिकोगनाइज करने के लिए ये जो टाइटल्स हैं वो एडमिटेड हैं नहीं कि प्रोविटेड नहीं है तो टाइटल कोई ना तो हमारा स्टेट दे सकता है और अगर कोई मान लो यहाँ फॉरनर रह, रह रहा है विदेशी रह रहा है तो उसको भी कोई विदेशी जो देश है कोई भी देश है वो भी उसको टाइटल नहीं दे सकती और अगर देना है तो प्रेसिडेंट से पहले पूछना पड़ेगा तब आर्टिकल नंबर जो मैंने आपको 14 आपको बताया ये और राइट टू इक्वलिटी जो भी आपने 14 से एटीन तक देखा ये राइट टू इक्वालिटी में कुछ एक्सेप्शन है अपवाद हैं अपवाद मैं अभी बता देता हूँ ऐसे मौखिक तौर पर ओरली लेकिन हम लोग आगे देखेंगे जैसे कि राष्ट्रपति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जो सिविल मैटर्स हैं ठीक है थीके? जो सॉरी जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पे एक तरह से हम देख रहे हैं कि इनक्वालिटी किए जा रही है लेकिन एक अपवाद है क्योंकि वो हमारे हेड ऑफ़ द कंट्री है भाई राष्ट्रपति है वो अगर उसके खिलाफ कुछ होगा सोचिए उसके खिलाफ कोर्ट में उसको हथकड़ी पहन के उसको लिया जा रहा मतलब ले जाया जा रहा है देश का कितना अपमान होगा ऐसे जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सांसद लोग इनके खिलाफ भी जब सेशन चल रहा होगा और सेशन चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है कोई सिविल मैटर्स पे सिविल मैटर में अगर हम बात करें तो वो सिविल क्या होता है क्रिमिनल क्या होता है तो हम आगे देखेंगे तो बट ये एक्सेप्शन है वो सब आगे देखेंगे इन लोगों को कुछ प्रिविलजेस मिले हुए हैं यानी कि विशेष अधिकार मिले हुए हैं अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर नाइनटीन यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार किसका राइट टू फ्रीडम तो स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम बात करें दैट इज राइट टू फ्रीडम वो आर्टिकल नंबर नाइनटीन से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है वो जाता है नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी तक अनुच्छेद उन्नीस से लेकर बाईस तक अब अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 में टोटल सिक्स राइट्स मिले हुए हैं छह तरह के हमें डिफरेंट अधिकार मिले हुए हैं क्या है वो आपकी स्क्रीन पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स राइट टू फॉर्म एसोसिएशन राइट टू फॉर्म फ्रीली विदाउट द टेरेटरी ऑफ इंडिया राइट टू रिसाइड ठीक है और ये इसको हटा दिया गया मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हमने आर्टिकल नंबर थर्टी वन से हटाया और आर्टिकल नाइनटीन सब क्लॉज एफ जिसमें घुसा हुआ था इससे इससे हटाया तो जो हमारा अब सिक्सथ राइट है वो ये है राइट टू तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू तो कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस कोई भी धंधा करने का अधिकार ये क्या है कुछ भी बोलने का अधिकार ये क्या है कि कुछ भी एक तरह से चलो अभी उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल नंबर 19 आर प्रोवाइडेड विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि ये हमें उचित प्रतिबंध के साथ मिले हुए हैं इस पर्टिकुलर फ्रेज का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है वही कि दे आर नॉट एब्सिल्यूट बट क्वालिफाइड मतलब यह है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप कोई बोल सकते हैं बोलने की आजादी है लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सारे मोदी चोर होते हैं <laughs> तो फिर आपके खिलाफ डिफेमेशन केस लगेगा आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं आप किसी के खिलाफ कुछ ऐसा पोस्ट नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जो उसकी छवि को ठेस पहुंचाएगा हो गया क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि राइट right आपको मिले हुए हैं लेकिन वो, उसकी सीमा वहीं तक है जब तक किसी दूसरे के राइट ना हर्ट हो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स शांति के साथ आप इकट्ठा हो सकते हो लेकिन अगर आपने कोशिश की कि फोर्टी सेवन लेके इकट्ठा हो रहे हैं बारूद गोले सब लेके तो वो आपको रिस्टेट कर दिया जाएगा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आप कोई भी संगठन बना सकते हैं लेकिन खालिस्तान जैसा नहीं नहीं तो फिर भिलाई भी करी जाएगी गवर्नमेंट के अंदर राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ क्योंकि अब जैसे खालिस्तान है वो ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि वी हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन क्योंकि तो उसमें रिजनेबल रिस्टिक्शन है कि वो कंट्री की सॉवरेनिटी को खतरा नहीं पहुंचा पहुंचाना चाहिए अगर आप कोई भी एसोसिएशन बना रहे हैं ठीक है राइट टू मूव फ्रीली थ्रो द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि आप कहीं पे भी अक्रॉस इंडिया मूव कर सकते हैं बट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इस इसको मैं इस पर फिर से मैं लौट के आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद ठीक है अब यहाँ पे इसमें क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है राइट टू मूव फ्रीली थॉर देरेटी ऑफ इंडिया में यहाँ पे ये यह रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे कुछ पार्ट ऑफ हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट है वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं ऐसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट है वहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा तभी आप जा सकते हो जैसे कि कंट्रीज में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है वैसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कुछ हमारे इलाके हैं जहाँ पे इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा और कुछ तो ऐसे हैं कि जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते हैं तो आप एज अ मैटर ऑफ राइट उसको क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं राइट टू रिसाइड कहीं पे भी आप रह सकते हैं सेटल कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि हमें जहां पे नॉर्थ ईस्ट के कुछ रिस्ट्रिक्टेड इलाके वहां पे घर चाहिए जैसे अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे अब ध्यान दीजिएगा ये है आर्टिकल नंबर नाइनटीन ए बी सी डी ई एफ वाला हट चुका है तो जो जी वाला है जो रीजनिंग में हम उसको सेवंथ पढ़ते हैं ना जी का अल्फाबेटिकल अगर हम वैल्यू पढ़ें तो वो सेवेंथ होता है ना लेकिन एक्चुअल में सिक्सथ राइट right है लेकिन आप बोलेंगे क्या उसको सब जी यह क्या राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन कोई भी धंधा कर सकते हैं लेकिन इसका यह नहीं मतलब ये नहीं कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा कर रहे हैं ठीक है बच्चों की तस्करी कर रहे हैं ये ये भी तो धंधा ही है लेकिन ये थोड़ी ना किसी की किडनी विडनी निकाल रहे हैं तो ये धंधा है लेकिन गंदा है ठीक है तो इसलिए यह सारी चीज़ें हैं अब इसको हम याद कैसे रखें बिकॉज ऑर्डर में याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल नंबर नाइनटीन सब क्लॉज डी में क्या है ठीक है जी में क्या है बी में क्या है तो आपको पता होना चाहिए तो आर्टिकल नंबर ये इसको इस तरह से याद रखेंगे सामरो करके ट्रिक है हम लोग की ठीक है साम रो एस से स्पीच एंड एक्सप्रेशन ए से असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स ए एस से एसोसिएशन एम से मूव फ्रीली विदाउट टेरिटरी ऑफ मूव फ्रीली टेरिटरी ऑफ इंडिया आर से रिसाइड है एंड ओ से ऑक्यूपेशन है सिंपल हो गया जो 193 आप देख पा रहे हैं राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन इसी के आगे हमने कुछ ऐड किया था और वो हमने किया था इंटी सेवंथ अमेंडमेंट से संतानवे नंबर का संविधान संशोधन किया था हमने और उससे हमने जोड़ा था नाइनटीन सब नाइनटीन वन सब क्लास सी में ये जोड़ा था हमने कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि सहकारी समितियां बनाने का अधिकार राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसको हमने नाइन्टी सेवंथ अमेडमेंट से जोड़ा था जहां पे भी नाइन सेवंथ अमेंडमेंट दिख जाए सीधे कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी दिख जाए सीधे नाइनटी सेवंथ अमेंडमेंट ठीक आगे भी देखेंगे इसको हम लोग आर्टिकल नंबर ट्वेंटी पे आते हैं अनुच्छेद नंबर बीस पे आते हैं और एक चीज़ ध्यान रखना ये जो है कंपनीज़ को अधिकार नहीं मिले हुए हैं अभी हम लास्ट में देखेंगे कौन से अधिकार हमारे भारतीयों को मिले हुए हैं कौन अंग्रेजों को मिले हुए हैं लेकिन आर्टिकल नंबर नाइनटीन वाले कंपनीज़ को नहीं मिले हुए आर्टिकल नंबर ट्वेंटी पे आता है ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंसेज यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अच्छा है इसमें मतलब आपके खिलाफ जो है अपराध अब सिद्ध हो गया है या फिर अभी आप एक तरह से आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है क्रिमिनल्स को भी राइट दिए गए देखने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि अगर आपको के खिलाफ कोई केस मान लो कि आपको एक तरह से गिल्टी प्रूव किया गिल्टिया है आप किसी के चीज के लिए तो उसके बाद आपके क्या क्या राइट्स हैं तो ये है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इसमें टोटल तीन तरह के राइट्स हैं वो तीन राइट्स क्या हैं नो एक्सपोस्ड फैक्टो लॉ नो एक्सपोस्ड फैक्टो लॉ दूसरा है ये तो पहला हो गया ठीक है दूसरा है नो डबल जियो पार्टी अभी मतलब भी मैं उनको इनका बताऊंगा आपको नो डबल जियो पार्टी एंड नो सेल्फ incrimination नो no सेल्फ incrimination अभी मतलब इनका समझ लो नो एक्सपोज फैक्टो लॉ का हिंदी मतलब है एक अपराध के लिए एक सजा जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये होगा एक अपराध के लिए एक सजा नो डबल जीओ पार्टी नो एक्सपोज फैक्टो लॉ का मतलब है कि जिस समय जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है किसी क्राइम के लिए उतनी ही सजा मिलेगी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पड़ोस वाले के यहाँ पे चोरी कर ली क्या चोरी किया आपने मान लेते हैं टीवी चोरी कर लिया तो आज जो है टीवी चोरी की सज़ा है एक महीने तो आपने सोचा आपने क्या मान के आपको पता था क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट थे आपको पता था कि अगर मैंने टीवी चोरी करी तो एक महीने की जेल होगी तो आपको लगा हो जाएगी क्या दिक्कत यहाँ पर घर में पड़े ही रहते हैं हो आएंगे जेल लेकिन टी मिल जाएगा नया क्योंकि नया टी वी था बढ़िया टी था तो आपने वो मान के चोरी की लेकिन जैसे आपने चोरी करी अगले दिन जो है फिर दो तीन दिन बाद कानून बना दिया पार्लियामेंट में एक लॉ पास हो गया वो शब्द छोड़ो जैसे फॉर चलो ठीक है अब इसका एग्जांपल देता हूँ फिर एक और एग्जांपल देता हूँ ठीक है कि दो तीन दिन में लॉ लॉ ये बना दिया हमारी पार्लियामेंट ने कि अब से जो टीवी चोरी करेगा उसको एक महीने की सज़ा नहीं होगी उसको सीधे फांसी पे लटका देंगे <laughs> तो ये तो आपके साथ जाती हो गई तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को प्रिजर्व करता है कि भाई जिस टाइम आपने क्राइम किया था उस टाइम जो लॉ था उसी की सज़ा मिलेगी जैसे कि अभी आपको पता है ना आई इन सबको रिप्लेस करके दस साल की जेल और सात लाख का जुर्माना कर दिया गया हिट एंड रन के केस में लेकिन पहले नहीं था ठीक है तो मान लो कि किसी ने आज से मान लेते हैं पंद्रह दिन या फिर बीस दिन पहले बीस, प, बीस दिन पहले हिट एंड रन किया था और उसके खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है आज जाके वो ट्रायल जो है उसके वो, मतलब वो गिल्टी प्रूव हो जाता है कि हाँ इसने किया था ये चीज़ तो उसको ये वाली सजा नहीं होगी है ना पहले वाली होगी जब उसने ये क्राइम किया था तो उस समय वो लॉ क्या कह रहा था आई होप आप समझ गए होंगे नो डबल जी ओ पार्टी का मतलब है एक अपराध के लिए एक सजा और इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में वर्तमान कानून के तहत सजा ठीक है यानी कि आपने टी वी चोरी करी ठीक है तो आपको सजा मिल गई फिर से पुलिस नहीं आ सकती है आपको कि तुमने टीवी क्यों चोरी करी थी हम ठीक है तुम एक महीने की सजा तो काट आए थे लेकिन अब हमारा अभी हमारा दिल नहीं भर रहा है तुमको फिर से पिलाई करनी आ तो जाओ जरा इधर पे तो फिर से तुमको फिर से उठा लें तो ऐसा नहीं है एक क्राइम के लिए एक बार सजा तुमको अगर जेल जाने का मन है तो फिर से टी चोरी करो ठीक है लेकिन एक क्राइम के लिए सिर्फ एक बार सजा ये मत इसको समझ लेना कि भाई वो उसने एक क्राइम किया टीवी चोरी करना तो जीवन भर वो टीवी चोरी कर सकता है उसके लिए कोई क्राइम ना <laughs> उसको एक क्राइम के लिए एक सजा तो दो दोबारा टीवी चोरी करेगा तब उसको होगा ठीक है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या है इसका मतलब है स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये है हमारे कौन मिस्टर एक्स <laughs> ये है हमारी कौन मिसेस मिस वाई ठीक है ये हमारी मिस वाई बताने की तो जरूरत नहीं है ना ठीक है तो मिस्टर एक्स मिसेस वाई तो अब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि चलो भाग चलते हैं ठीक है क्योंकि अब ये जो दुनिया है हमें साथ जीने नहीं देगी ठीक है तो इन्होंने साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाई थी तो इसलिए भाग निकलते हैं अब ये जो मैडम के घर वाले थे काफ़ी पावरफुल आदमी थे समझ वैसे समझ लो कि मतलब अतीक अहमद मत टाइप है ना <laughs> तो इनके घर से थे बीच में बीच में जो है इनके गुंडों ने रोक लिया मैडम को तो ले गए घर इनको कहीं और ले गए कहाँ पे पुलिस थाने ले गए इनको जो कि यूजुअली होता है रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं <laughs> ऐसे ही होता है ठीक है तो पुलिस थाने ले गए पुलिस थाने के बाहर एक लगा था पेड़ ठीक है पेड़ में तो पहले इनको बांधा गया और फिर जम के इनकी सुताई करी गई फिर इनको अंदर ले जाया गया फिर इनसे बोला गया और सुताई करते करते इनसे पूछा गया कि कल जो है पुलिस में तुम ये गवाही दोगे कि तुम इसको किडनैप करने किडनैप करके कि ले जा रहे थे बताओ बोलो कि नहीं तो बेचारा इतना उसकी पिटाई हो रही थी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है हम कल जो है ये गवाही दे देंगे लेकिन जब इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट इट कोर्ट विल पुट दी ओनर्स ऑन दी पुलिस टू प्रूव दैट ही इज गिल्टी यानी कि आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता आप खुद कोर्ट में अगर आप ये बोलोगे ना कि हमने क्राइम किया तो अभी नहीं माना जाएगा एक केस है आई थिंक ट्वेंटी ऐसा कुछ का टाइम का एग्जैक्ट तो यार नहीं मुझे पता जब गुरुग्राम में एक आर एन इंटरनेशनल ऐसे करके कोई आ, है ना स्कूल है तो वहाँ पे एक छोटे से बच्चे की स्कूल में हत्या कर दी जाती है और ओनस उसके लिए गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है बस ड्राइवर को किसने पहले शोषण किया यौन शोषण किया और उस बाद उस बच्चे को उसकी हत्या कर दी समझ रहे हैं और बाद में जाके ये प्रूव होता है कि उसी स्कूल के एक क्लास एलेवेंथ के लड़के ने उसको मार डाला था इसलिए ताकि उससे स्कूल की छुट्टी हो जाए अगले दिन और उस बेचारे को गिल्टी प्रूव कर दिया गया था कैसे किया गया होगा पैसे का लालच दिया होगा क्योंकि बेचारा गरीब घर गर से था ठीक है डराया धमकाया गया होगा क्योंकि ये जो था इस, इस ये जो लड़के ने क्राइम किया था उसकी फैमिली बहुत वेल ऑफ थी तो एक तरह से अगर हम देखें तो गिल्टी कौन था लेकिन इस इसने अपना एक्सेप्ट कर लिया था ड्राइवर ने कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है बट जुडिशरी हमारे क्या करती है वो नहीं मानती है पुलिस को बोलती आप प्रूव करिए कि कैसे गिल्टी है तो आई होप इससे ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है इसमें ट्वेंटी अनुच्छेद इक्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अब ये क्या है राइट टू तो अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं तो ये बहुत ही वाइड एक राइट है वाइड मतलब इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा चौड़ा है कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जैसे कि आर्टिकल वन हमारा कुछ ये बोलता है कि नो पर्सन नो पर्सन शैल बी जो ये लाइन है ना यही इसको बहुत चौड़ा बना देती है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इज लाइफ नो पर्सन शैल बी डिप्राइव डिप्राइव्ड ऑफ इज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ इसका मतलब यह है कि किसी भी पर्सन की लाइफ को या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी को उसकी आजादी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ मतलब की लॉ यानी विधि के द्वारा कानून बना के उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है और ये होता क्या प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ इसका मतलब होता है कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है लोकसभा है राज्यसभा में पार्लियामेंट की बात करूं यहां से बिल पास होगा यहां से बिल पास होगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा इसने सहमति दे दी बन गया बन गया कानून तो अगर इस तरह से कानून बनाया गया है तो उसकी लाइफ को डिप्राइव किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ ये हमने कहाँ से लिया जरा बताएंगे सोर्सेज में आपको बताया था और मैंने तब बताया था कि मैं आपको ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी में इसका मतलब समझाऊंगा तो यही चीज गोपालन केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी हाँ ये बात बिल्कुल सही है गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ है यानी कि लॉ बनाने का जो पूरा प्रोसीजर है उसको अगर फॉलो करके लॉ बनाया गया है तो किसी भी किसी की भी लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल ट्वेंटी वन में है राइट टू तो स्लीप लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कानून बना दिया लोकसभा राजसभा से पास करके प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी तो राइट टू तो स्लीप को डिप्राइव किया जा सकता है राइट टू स्लीप को डिप्राइव किया जा सकता है सिंपल लेकिन फिर एक 1978 में केस होता है मेनका गांधी केस मेनका गांधी जी को विदेश जाना था पॉलिटिकल जो पार्टीज थी इनको जाने नहीं दे रही थी उस समय इस तरह का पॉलिटिकल सिनारियो बना हुआ था तो ये सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे भले ऐसा नहीं कि आप लॉ बना दोगे तो उसके उससे डिप्राइव कर सकते हो फिर उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि यूएसए में चलता है कि यानी कि उसमें हम ये भी चेक करेंगे कि आपके इंटेंशंस क्या थे उस लॉ के बनाने के पीछे क्योंकि आपने ठीक है लोकसभा से पास कर दिया राज्यसभा से पास कर दिया प्रेसिडेंट ने दे दी यह भी तो हो सकता है कि उसके उस मतलब आपके गलत इंटेंशन हो उससे लोगों को कुछ खतरा हो तो इस वजह से मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर इंस्टेंस लिया और आर्टिकल ट्वेंटी में अगर मैं आपको बात करूं तो ध्यान रखना हमेशा हैविंग या फिर कंसिडरिंग कि आपने सारे फंडामेंटल राइट्स ढंग से पढ़ लिए हैं फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि बताइए किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट right है आपको पता है 14 में क्या 15 में क्या 16 में 17 में सब कुछ आपको पता है बट फिर भी कुछ ऐसा आ जाता है तो आप मारेंगे आर्टिकल नंबर 21 क्यों बहुत बड़ा है. जैसे राइट टू स्लीप सोने का अधिकार है राइट टू इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का अधिकार है ठीक है राइट अगेंस्ट स्पीडी ट्रायल ये है आपके पास राइट टू मूव अब्रॉड यानी कि विदेश जाने का अधिकार अब मैं फिर से नाइनटीन में लाना चाहूंगा तुम्हें राइट टू मूव फ्रू फ्रीली थ्राउड दी ऑफ इंडिया भारत के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो नाइनटीन बोलता है ठीक और भारत के तुम बाहर जा सकते हो और बाहर से अंदर आ सकते हो ट्वेंटी वन बोलता है क्लियर है डिफरेंस तो इसमें बहुत सारे राइट है जैसे मतलब राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग स्लीप इलेक्ट्रिसिटी राइट टू हेल्थ बहुत सारे राइट हैं इसमें ठीक है तो अगर आपने पढ़े रखे हैं सारे और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हमें सब समझ नहीं आ रहा तो आर्टिकल में ट्वेंटी वन होगा और अगर आपको बहुत इच्छा हो तो आप जाके पढ़ सकते हो इसमें जितने भी सारे हैं बहुत सारे हैं ठीक है बताने का ये पर्पज़ नहीं है मतलब नहीं है ट्वेंटी वन ए पे आते हैं ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए की अगर बात करें तो यहाँ पे ए क्या दर्शा रहा है ए ये रहा है जैसे कि हमारे हमारे कपड़े होते हैं कपड़े में अगर कही कहीं हमें ऊपर से अगर कहीं स्टिचिंग की होती है तो हमें ऊपर से समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसको ऊपर से जोड़ा गया है अलग से तो इसको एटी सिक्स ये हमारा ओरिजिनली इट वॉज दी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको एटी सिक्स अमेंडमेंट ऑफ टू थाउजेंड दो हज़ार दो से जोड़ा गया और ये क्या है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन यानी जो प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है कक्षा जो सॉरी कच्चा छः नहीं मतलब जो एज सिक्स से लेके जो फोर्टीन तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है छः से चौदह वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा का इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है सिंपल पहले एक डीपीएसपी हुआ करता था लेकिन उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी पढ़ेंगे ना फिर से एटी सिक्स अमेंडमेंट आएगा अभी के लिए राइट टू प्राइमरी एजुकेशन एटी सिक्स अमेंडमेंट दो हजार दो में एड किया गया था छः से चौदह साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल ट्वेंटी टू अनुच्छेद बाइस बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण इसको हिंदी में बोलते हैं मतलब इसका मतलब होता है आपको धर लिया गया है और धर लिया जाता है दो तरीके से एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब मतलब यह है कि ये वो डिटेंशन है ये वो धरा गया है आपको जब आपने क्राइम कर दिया है आपने क्राइम कर दिया आपको धर लिया गया ये क्या है क्राइम किया नहीं है करने की आशंका है इसलिए धर लिया गया जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शक हो रहा है गवर्नमेंट को ये बंदा जो है कुछ हरकत कर कर सकता है जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 जब रिपील किया था तो यहां पे बहुतों को हाउस अरेस्ट करवा दिया था कि घर में ही रहोगे तुम्हारा सब किसी से बात नहीं कर पाओगे बाहर नहीं निकलोगे ये सारी चीजें कर दी थी किया था ना हाउस अरेस्ट क्यों क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट को ये शक था कि ये लोग जो है दंगे भड़का सकते हैं तो इसलिए उस शक में इनको प्रिवेंटिव डिटेंट किया गया था डिटेंशन था धर लिया गया था किस लिए क्योंकि ऐसा शक है किया नहीं है अब इसमें में क्या क्या वो मिले हुए हैं तो इसमें यह मिले हुए हैं जैसे कि एक है हमारे कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा यानी कि राइट टू राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एक तरह से ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल ट्वेंटी वन अभी मैं बता रहा था ना इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी जो आर टी आई आप लगाते हो ना और आपको जवाब मिलता है वो आपका अधिकार है अनुच्छेद इक्कीस के तहत ठीक है तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ये राइट टू इन्फॉर्म्ड है कि आपको क्यों अरेस्ट किया है आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि किस लिए अरेस्ट किया गया आपको वो आप पूछ सकते हो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत पूछेगा बार बार अगर मान लो एक बार बताने में अगर तुमने कोई क्राइम किया हो ठीक है और एक बार बताने में अगर वो ना बोलें तो फिर दोबारा मत पूछना <laughs> हो सकता है वो रात भर ढंग से सोए ना हो पुलिस वाले और फिर है ना तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है फिर ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको दंडा अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा यानी कि राइट टू बी प्रेजेंटेड विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा लेकिन इसमें हम ट्रैवल टाइम काउंट नहीं करते हैं और थर्ड है आपका कि मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार right है राइट टू रिप्रेजेंट है आपके पास यहां पे जैसे कि जब अजमल कसाब हम जानते हैं ना जो मुंबई टैक्स के लिए दोषी था तो उसको भी हमने एक वकील दिया था क्योंकि हमारे यहां फंडामेंटल राइट है ये चाहे कोई क्रिमिनल भी हो उसको भी रिप्रेजेंटेशन का राइट है ट्वेंटी टू बोलता है अब किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा बिकॉज यहां से हमारे राइट टू फ्रीडम भी खत्म हो चुके हैं अब हमारे आर्टिकल ट्वेंटी थ्री और अब जितने भी राइट right हैं बहुत जल्दी से हो जाएंगे इसी में मेनली टाइम लगा था बाईस तक में अब उतना टाइम नहीं लगेगा ठीक है तो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर क्या बोलते हैं कलेक्टिवली राइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार किसी का कोई डाउट तो नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूं डाउट नहीं है okay. ओके गांजा का बिजनेस तो बिजनेस है सर प्राइवेट प्राइविटेड क्यों है ए? गांजा का बिजनेस करोगे तो प्राइवेट तो किए जाओगे हैं गांजा जब गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है और गवर्नमेंट की मनोपली भी हो सकती है किसी बिजनेस में जैसे जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सिर्फ ट्रेन रेल सर्विस हम ही देंगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया तो रेल हम भी निकालेंगे गवर्नमेंट की मोनोपली भी हो सकती है किसी में ठीक है और गवर्नमेंट वो जस्टिफाई करे उसका वो ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट को ठीक है मनपसंद शादी किस में <laughs> आदित्य शाह तो। मनपसंद शादी जो है आटिकल ट्वेंटी ही तुम्हें तो दिला सकता है यूथनेशिया आप ट्वेंटी वन में ही रख सकते हो ठीक है आपकी मतलब डेथ वाला जो आप पूछ रहे हो है ना मैंडमस मैंडमस के अभी मैंडमस देखेंगे <laughs> तो अजमल का लॉयर कौन था नाम तो यार याद नहीं सर्च कर लो गूगल में मिल जाएगा क्या बता रहा है उन्नीस इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल ट्वेंटी थ्री में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर इसका मतलब क्या है कि आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा जा सकती अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो इट लाइक कि मतलब ट्रैफिक का मतलब होगा कि व्यापार यानी कि मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता है और बेगारी भी नहीं करवाई जा सकती प्रोइबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींगस एंड फोर्स लेबर जिसको हम बेगारी बोलते हैं बेगारी क्या होती है कि जबरन मजदूरी करवाना या फिर मजदूरी जितनी करवाई जा रही उसके अवज में उतना पैसा ना देना वो है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर बोलता है नो चाइल्ड लेबर यानी कि यह है बाल विरुद्ध मतलब जो बाल श्रम है उसके विरुद्ध है ये जो बेगारी होता है इसको बोलते हैं बलात्श्रम बलात्श्रम मतलब होता है फोर्स लेबर और ये है बाल श्रम तो आपने तो देखा होगा परचून वगैरह की जो दुकानें होती हैं उसमें तो चाइल्ड होते हैं बच्चे काम कर रहे होते हैं तो वो कैसे क्या है तो वो क्या उसके खिलाफ अगर आप केस करने जाएंगे तो क्या मतलब दुकानदार के खिलाफ कुछ होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि ट्वेंटी फोर ये बोलता है नो चाइल्ड लेबर तो है ये तो मैंने जनरल सेंस में बोल दिया तीन शब्दों में नो चाइल्ड लेबर लेकिन इसके पीछे बहुत मतलब तो थोड़ा सा डीप चीज़ें हैं डीप चीज़ें ये हैं कि बच्चों को जो छः से चौदह साल तक के बच्चे हैं उनको हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में हजार्डस वर्क में नहीं लगाया जा सकता हजार्डस का मतलब होता है जो खतरनाक काम होते हैं जैसे कि माइंस हो गई माइन होती ना खाने होती हैं उनमें नहीं लगाया जा सकता जहाँ पे कुछ खतरा है वहाँ पे नहीं एम्प्लॉय किया जा सकता है लेकिन जो सेफ वर्क है वहाँ पे इनको एम्प्लॉय किया जा सकता है बट दैट टू इन नॉन स्कूल आवर्स स्कूल आवर्स कब तक होते हैं वही रफली आप मान सकते हो कि सुबह आठ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक रफली तो उस उन आवर्स में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है उसके बाद हो सकता है क्योंकि जैसे मान लो कि कोई, कोई एक फैमिली है ठीक है और उस फैमिली में कोई एक बच्चा है ठीक है मान लो कि तेरह साल का है तो वो फैमिली में हेल्प कर सकता है ना फैमिली को तो ऐसा तो है नहीं कि उसके खिलाफ मतलब आपके उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसको कुछ बोल दिया सामान देने के लिए और आप उसी समय परचून की दुकान में पहुँचे थे नया नया आर्टिकल ट्वेंटी फोर पढ़े और आप पहुँच गए कोर्ट फोटो वोटो क्लिक करके है ना फोटो और वीडियो बना के तो ऐसा नहीं है ठीक है नॉन स्कूल आवर्स में परमिटेड है ठीक है और जो चौदह से ऊपर है वो ज्यादा एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हैं बिकॉज उनको चाइल्ड कंसिडर नहीं किया जाता है दैन ठीक है तो ट्वेंटी भी क्लियर हो गया अब आते हैं हमारे अगले राइट पेन दैट इज राइट टू तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है हमारा अनुच्छेद नंबर पच्चीस से लेकर अट्ठाईस तक 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस मतलब कि अंतकरण की स्वतंत्रता अभी अंतकरण क्या है इसका मतलब ये है कि धर्म धर्म है तो भगवान होंगे भगवान के साथ मैं किसी भी तरह की आंतरिक रिलेशनशिप रख सकता हूँ मैं भगवान को चाहे जैसे मीराबाई ने अलग अलग तरह से रिलेशनशिप रखी थी सूरदास की अलग तरह से थी तुलसीदास की अलग तरह से थी तो मैं अंतःकरण की मेरे पास स्वतंत्रता यानी किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है धर्म को ना मानने की भी स्वतंत्रता है जैसे कि आर्टिकल नंबर नाइन्टीन में क्या है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या फिर राइट टू ज्वाइन एसोसिएशन उसमें यह भी है राइट टू नॉट टू ज्वाइन एसोसिएशन कोई जबर जबरदस्ती आपके खिलाफ जबरदस्ती आपसे कोई एसोसिएशन ज्वाइन नहीं करवा सकता वो भी राइट है उसी तरह भगवान को मानने या फिर ना मानने दोनों के आपके पास राइट है वो आपके आपका अधिकार है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स यानी कि जो धार्मिक कार्यों के जो प्रबंधन है उसकी स्वतंत्रता इन दोनों में जो की डिफरेंस है वो ये है कि ये इंडिविजुअल्स को मिले हुए हैं जैसे कि मैं हूँ तो मैं भगवान के साथ कोई भी रिलेशनशिप रह सकता हूँ भगवान को चाहे आरती चाहे किसी भी तरह से गाऊँ आरती चाहे वो मोमबत्ती से करूँ चाहे धूपबत्ती से करूँ वो मेरी मर्जी आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स जो है ये रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जैसे कि ग्रुप मिलवा के क्या करवाते हैं भंडारा करवाते हैं अखंड कीर्तन करवाते हैं ठीक है तो ये सारे क्या कर इन, इनको हम बोलते हैं रिलीजियस अफेयर्स तो ये इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल में 26 में मिली हुई हैं यानी कि ग्रुप को मिली हुई है आर्टिकल 26 को बस टैक्स से याद कर लो फ्रीडम फॉर पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन यानी कि किसी भी धर्म की एक तरह से उसका प्रचार करने के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता है स्वतंत्रता है इसमें आर्टिकल नंबर ट्वेंटी में जैसे कि आपसे ये टैक्स नहीं लिया जा सकता है कि भाई ये धर्म को प्रमोट करने के लिए हम टैक्स लगा रहे हैं आप टैक्स दो लेकिन आप देखते होंगे कि जैसे कई सारे मंदिर होते हैं वहाँ पे आपसे फीस ले ली जाती है तो फीस परमिटेड है क्यों क्योंकि जैसे मान लो कि आपकी चप्पल रखवाई फीस ले ली गई क्योंकि ताकि वो अफेयर को मैनेज करने के लिए वहाँ का जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपसे चार्ज कर सकता है वहाँ के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए लेकिन टैक्स नहीं लगा सकती गवर्नमेंट ठीक है और टैक्स का जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास तो उसको वो हर धर्म को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकती है किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं सारे धर्मों को प्रमोट करने के लिए वो यूज़ कर सकती है एंड ट्वेंटी एट इज नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन दी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं इसमें भी कई सारे स्कूल की कैटेगरीज लिस्टेड है जो कि हमें डीप में नहीं पढ़ना है बस इतना ध्यान रखो कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है जहाँ से गवर्नमेंट की फंडिंग मिल रही है वहाँ पर धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कल से टोपी पहन के आओगे या फिर कल से टीका लगा के आओगे कल से बुरका पहन के आना है ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड हैं जहाँ से भी गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं रिलीजियस फ्रीडम भी खत्म हो गया अब आते हैं अपने आखिरी में बोल सकते हैं मेनली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दैट इज सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल ट्वेंटी बोलता है राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर ये, ये माइनॉरिटीज को मिले हुए माइनॉरिटीज को हम बोल सकते हैं एक तरह से. कौन? को क्या को क्या जो अल्पसंख्यक है ठीक तो है तो अल्पसंख्यकों को यह अधिकार मिले हुए हैं और एक चीज ध्यान रखना की जो टर्म माइनॉरिटी है इज नो वेर डिफाइंड इन दूशन इसकी परिभाषा कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है नो वेड कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है या फिर डिफाइंड है और अगर आपको पता है कि हाँ ये लिखी हुई है डिफाइंड है तो ही मार्क करना लेकिन अगर आपको जरा सा भी शक हो कि भाई ये हमने पता नहीं डिफाइंड है कि नहीं है अब सब ने तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पूरी नहीं पढ़ी है ना यहाँ तक तो कि यू वाले भी पूरी वो बेयर एक्ट करके आते वो नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको यही मानना है कि वो डिफाइंड नहीं होगी तभी वो पूछ रहा है जैसे माइनॉरिटी नहीं डिफाइंड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट वो भी डिफाइंड नहीं है ठीक है और वो वही जानबूझ के पूछता है तो ध्यान रखना डिफाइन नहीं है तो आर्टिकल ट्वेंटी नाइन बोलता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज है कोई स्क्रिप्ट है कोई आप कल्चर को ऐसा फॉलो कर रहे हो ठीक है आपके पास ऐसा मान लो ये कल्चर है कि सुबह उठते ही जो है आप अपने मम्मी पापा के पैर नहीं सिर छूते हो ठीक <laughs> है और मम्मी पापा जो एक एक लाद से आपका स्वागत करते हैं तो एक कल्चर है वो आपका ठीक है डिस्टिंग तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो कोई बाउंड नहीं करेगा आपको कि नहीं इसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो तो आर्टिकल नंबर ट्वेंटी नाइन बोलता है और थर्टी क्या बोलता है और ये भी आर्टिकल ट्वेंटी नाइन ये भी बोलता है कि आप अपने बच्चों को ठीक है ये भी मतलब एक तरह से बोलता है कि आप अपने बच्चों को उसी लैंग्वेज में जो आपकी मान लेते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है जो सब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं छोटा तबका और ये खासकर हमें जो ट्राइबल सेक्शन है उस वहाँ पे देखने को मिलता है तो जो छोटा तबका है वो फॉलो कर रहा है तो मान लो आपके पास कोई लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में आप अपने बच्चे को पढ़ा भी सकते हो ये भी राइट right है इसमें ठीक है और थर्टी में राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन आप खुद ही कर सकते हैं आप एक माइनॉरिटी हैं एक आप एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं तो आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सारी चीजें करना चाहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना के वहां पर उसी तरह की शिक्षा देना चाहते हैं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं और वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी आप संभालिए एक की डिफरेंस है उनतीस और तीस में इसमें इस आर्टिकल में लिखा हुआ है एनी सेक्शन एनी सेनी सेक्शन ऑफ सिटीजन यानी कि ये जो अधिकार है सिर्फ माइनॉरिटीज को ही नहीं मिला हुआ है माइनॉरिटीज के अलावा भी अगर कोई ऐसा है तो उसको मिला हुआ है लेकिन यहां पे ओनली माइनॉरिटीज सिर्फ माइनॉरिटीज को मिला हुआ है अब यहां पे हमारे राइट्स होते हैं खत्म बस एक बाकी है लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अब यहां पर वो चीज ये है कि मैंने हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिया है लेकिन सबसे पहले जो आपका एम होना चाहिए वो ये है कि वो राइट किस बारे में है उस, राइ, उस राइट उस राइट अगर मैं पूछूं कि बताओ 25 में क्या है बताओ 21 में क्या है एक लाइन में आप उसको बता पाएं मतलब कि आपको पता हो कि कल्चरल एजुकेशन राइट उनतीस और 30 में है आप पहले ये रटो कि कल्चरल एजुकेशन राइट उनतीस और 30 में है ये रटने मत चले जाना कि माइनॉरिटीज़ को मिला हुआ है ये सबको मिला हुआ है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को मिला हुआ है और इसमें ये अपने बच्चों को वो भी दे सकते हैं वो बाद की बात है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है बताए क्यों फिर हम बताएं इसलिए कि अगर आ गया क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए और मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेंस का अलग बैच आएगा सीरियल मेन्स का तो उसमें अलग सेम है चीज़ें वो मैं बैच बनाने को अलग से बना सकता हूँ अप, अपने प्रॉफिट के लिए ठीक है लेकिन उस सेम चीज़ें हैं क्या इसमें प्री और पढ़ाऊँ मेंस वो तो फिर मैं आपके साथ ही धोखा कर रहा हूँ कि मैं रिस्टिक करके पढ़ा रहा हूँ कि नहीं नहीं ये चीज़ को मैं मेंस से पढ़ाऊँगा ठीक है और हो सकता है क्यों क्योंकि आपने देखा है मेन्स का पेपर प्रिलिम से भी ईजी आया था ठीक है काफ़ी सारे क्वेश्चन है तो ऐसा ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं है तो ये चीज़ मैं आपको बार बार इस पर फोकस कर रहा करूँ कि आपको पता हो कि भाई पच्चीस में क्या है छब्बीस में क्या है ठीक है सत्ताईस में क्या है वो फीस वाली बात तो बाद में आती है कि भाई फीस लेवी की जा सकती है वो सब किया जा सकता है लेकिन पहले तो ये आपको रटा होना चाहिए ठीक है ठीके? तो ये मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए ताकि आप किस ऑर्डर में चीज़ों को पढ़ रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है ठीक है अब आते हैं आखिरी राइट पे अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं वो पूछ लो पहले ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसको बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से समझना ठीक है बस ये आखिरी टॉपिक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसके बाद बस खत्म ही आप समझ लो चलो तो अभी एक काम कर लो ठीक है डीप ब्रीद कर लो और थोड़ा सा अपनी आंखों को जो है ब्लिंग कर लेंगे सभी लोग लोग क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था आप देख सकते हैं हैं ये 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 आपका एक बहुत बड़ा है 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 अब इसको मत लीजिएगा ना ना फिर हम लोग आर्टिकल 32 पे आते हैं ये अच्छा सा राइट है और काफी आप मान लो कि आप मोमबत्ती लेके पूजा कर रहे हो ठीक है तो मोमबत्ती लेके आप पूजा कर रहे हो तो आपके खिलाफ ऐसा नहीं कि फतवा जारी, मतलब एक तरह से ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ़ ये बोला जाएगा कि जो प्रेयर है वो तो अगरबत्ती से की जाती है मोमबत्ती से क्यों कर रही है तो वो आपका अधिकार है आप कर सकते हैं अपनी एज पर्सनल कैपेसिटी में चलिए आर्टिकल कैसे याद होगा अभी याद करवाएंगे टिरिक है हमारे पास तुम चाह चिंता क्या करते हो ट्रिक ले क्या है तुम्हारे लिए हम <laughs> आर्टिकल थर्टी टू पर आते हैं आर्टिकल थर्टी टू है क्या फंडामेंटल राइट right है और क्या है लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है क्योंकि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया था अम्बेडकर जी ने कि संविधान का हृदयव आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोल दिया था क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट right देने का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है इट इज लाइक सेंग कि मैं आपको मतलब आपको मर्सिडीज़ दे रहा हूं कि लो बेटा मर्सिडीज लेकिन चला नहीं सकते इसको ना बैठ सकते हो बस देख सकते हो ये तो मैंने आपका काट दिया सिंपल सा <laughs> तो वैसे ही है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं लेकिन अगर उनको कोई प्रिजर्व ही नहीं करेगा ठीक है तो फिर मतलब क्या उनको देने का तो आर्टिकल नंबर थर्टी टू उनको प्रिजर्व करता है कैसे प्रिजर्व करता है ये सुप्रीम कोर्ट को यहां पे आर्टिकल 32 के तहत ये राइट दिया गया है अधिकार दिया गया है कि कोई भी आपके पास तुरंत आ सकता है और आप रिट्स इशू करके उसके राइट को प्रिजर्व कर सकते हो आप उसको रिट इशू करके उसके राइट्स को प्रिजर्व कर सकते हो लेकिन ये रिट इशू करने का पावर एक और कोर्ट के पास है और वो है हाई कोर्ट इंडिया में सिर्फ दो ही तरह की कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है रिट इशू करने का पावर लेकिन इसको हम फंडामेंटल राइट कंसिडर नहीं करते हैं क्यों क्योंकि ये जो पावर है हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत मिला हुआ है इट इज़ इन दार्ट सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इन दी पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वाइट दट वाइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड सेकंडली हाई कोर्ट रिट इशू करने से मना कर सकता है आप जाओगे रिट इशू कर दो भैया हमारा राइट एंड फ्रिंज हुआ है निकल लो बेटा सुप्रीम कोर्ट ये कभी नहीं बोल सकता निकल लो बेटा वो बोलेगा आओ भाई को समोसा और <laughs> कुछ तूफानी पिलाओ ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट को मतलब इतना भी आसान नहीं होता एक्चुअली होता ही है ना कि ये ओरिजिनल है ओरिजिनल जोरेजेक्शन ओरिजिनल जोरेजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्लेंस हुआ है लेकिन जब आप जाते हो ना तो आपसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए थे क्योंकि बहुत ओवरबर्डनिंग होते हैं हमारे कोर्ट्स में ठीक है तो खैर ये चीज़ ध्यान रखना कि रिट इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है हाई कोर्ट के पास है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल थर्टी टू हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल टू टू सिक्स लिया कहाँ से है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया देख चुके हैं प्रेरोगेटिव रिट्स हमने ब्रिटेन से लिया जहां से हमने एकल नागरिकता लिया जहां से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया जहां से हमने कमर लिया है क्लियर ये सभी को क्लियर है ध्यान रखना और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्टिक्षन है जुरिस्टिक्षन का मतलब क्या होता है क्षेत्र अधिकार का मतलब ये ये होता है क्षेत्र अधिकार मतलब आपका अधिकार कितना क्षेत्र है ना कि भाई का दबदबा है यहां पे वो ठीक है तो जो रिट जुरशन है किसका सुप्रीम कोर्ट का ये वाइड है थोड़ा सा सुन के आप चौंक जाएंगे हैं सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट तो उच्च न्यायालय हम तो यही समझते हैं ठीक है सुप्रीम कोर्ट के मतलब ज्यादा बड़ा होता है और यहां पे भी वही समझ में आ रहा है कि 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट का वाला फंडामेंटल राइट right है वो रेफ्यूज नहीं कर सकता है लेकिन ये वाइड किस सेंस में है वाइड इस सेंस में है कि हाई कोर्ट लीगल राइट्स को भी एनफोर्स करने के लिए रेट को इशू कर सकता है अभी मैं क्या बोला कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर इन्फ्रेंचमेंट हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हो रिट इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो हाई कोर्ट में भी जा सकते हो लेकिन अगर आपके लीगल राइट right, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी याद करो पहले फंडामेंटल राइट right था बट अभी लीगल राइट अंडर आर्टिकल थ्री ए तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो नॉट एंड नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं आप हाई कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट जा सकते हो लेकिन हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है लीगल राइट right को लेकर क्लियर मैं समराइज करता हूं आर्टिकल थर्टी टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हृदय आत्मा हार्ट एंड सोल बोला दो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू टू सिक्स के तहत जो रेट इशू कर सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट वाला फंडामेंटल राइट right नहीं है इसलिए वो रिफ्यूज कर सकता है मना कर सकता है रिट इशू करने से बट सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं मना कर सकता है वो हमारा फाइनल एक तरह से प्रिजर्वर है हमारे फंडामेंटल राइट्स right का कौन सुप्रीम कोर्ट बट एक चीज है कि हाई कोर्ट का रेट जो रिजेक्शन बड़ा होता है बिकॉज वो लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स करने के लिए रेट इशू कर सकता है अब हम यहां पे देखेंगे रेट होती क्या और कितने प्रकार की होती हैं तो रेट होती हैं पांच तरह है की कौन कौन सी पहली है हेबियस कॉर्पस हिंदी में भी इसको हेबियस कॉर्पस ही बोलते हैं हेबियस कॉर्पस इसका मतलब क्या होता है इसका लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए पूछता है कि हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ उसका शरीर लेके आओ हैं कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है टू हैव बॉडी ऑफ उसका शरीर लेके आओ हाँ किसका शरीर लेके आओ तो जिसका अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है अनलॉफुल कहने की कानून के हिसाब से जिसको धरा नहीं गया है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप आए मेरे पास क्या करके क्या कह के कि सर कोर्स दे दीजिए सर फ्री में जो पहली सैलरी होगी वो हम आपको ही देंगे मतलब बहुत स्टूडेंट बोलते हैं आज तक तो खैर किसी ने दिया नहीं है बहुत सारे असिस्टूडेंट बोलते हैं सर कोर्स फ्री कर दो पहली सैलरी जो है आपको दे देंगे और आई थिंक ये सारे टीचर्स के साथ हुआ होगा है ना तो मान लो कि आप आए मेरे पास सर कोर्स फ्री कर दो मैं वो कर दूँ कर दूँगा मतलब पहली सैलरी आपको दूंगा मैंने कर दिया आपका सिलेक्शन हो गया और आपने फिर 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 भी एक साल हो गया आप स्टेटस लगाते हो अलग अलग तरह के कि यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे और आपने अभी फर्स्ट सैलरी नहीं मेरे को दी तो मैंने क्या किया अपने आदमी भेजे और आपको किडनैप करवा लिया ठीक है अब आपको किडनैप करवा लिया ये बात जो है अब अब इस केस में क्या होगा कि मान लो कि आपका कोई दोस्त है ठीक है आपके साथ कोई फ्रेंड था तो उसको ये बात पता है कि परमार सर ने जो है हमारे दोस्त को धर रखा या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को पता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं कोर्ट पुलिस को बोलेगी कि उसका शरीर यहां पे लेके आओ यानी कि उसको यहां पे प्रेजेंट करो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो यहां जहां पे अनलॉफुल तरीके से किसी को डिटेंट किया जाता है डिटेंशन होता है वहां पे इसको इशू किया जाता है हैपस को मतलब तो मैंने बता दिया वो तो मतलब कि ठीक है सुनने की बात है लेकिन ये रटने की बात है टू हैव बॉडी ऑफ दूसरा है मैंडमस मैंडमस का मतलब क्या है मैंडमस का मतलब लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड हम आपको आदेश दे रहे हैं क्यों आदेश दिया जा रहा है क्योंकि एक मैंडेटरी काम है मैंडेमस मैंडेटरी काम है जो कोई नहीं कर रहा है मैंडेटरी काम है जो नहीं कर रहा है जैसे अच्छा मुझे ये बताओ मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा एक्ट है जहां जिसने हेबियस कॉर्पस को एक तरह से इन्फ्रिंज कर लिया था ले लिया था छीन लिया था एक एक्ट का नाम बताओ तो मैंडमस नाम में ये मैंडेटरी तो जो एक मैंडेटरी काम है जो एक पब्लिक ऑफिशियल को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है देन उस केस में उसके खिलाफ मैडमस रेट इशू की जा सकती है जैसे कि मान लो कि आप ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट बनाने गए मैडम लेखपाल के पास बट मैडम लेखपाल जो है घूस के बिना कुछ काम करती नहीं है तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे तो हम करेंगे नहीं देन उनके खिलाफ मैडमस इशू की जा सकती है ठीक है बिकॉज मैंडेटरी काम नहीं कर रही हैं अगर वो वॉलेंट्री है कि मैंडेटरी नहीं उनके लिए तो उस केस में नहीं इशू की जा सकती किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी क्लास ना लूँ सात बजे मंडे को तो आप मेरे खिलाफ रिट इशू कर दो क्या इनका काम है सात बजे सॉरी हाँ सात बजे फिर साढ़े बजे क्लास लेना लेकिन इन क्लास में आते नहीं है टाइम पे हैं छः चालीस पे आते हैं ये रोज छः चालीस पे आते हैं ये रोज़ क्या मतलब है ये सब तो इनका तो मैंडेटरी काम है सिक्स थर्टी तो नहीं प्राइवेट इंडिविजुअलों में ठीक है और हेबियस कॉर्पस को इन्फ्लूस किया गया था जो रेवोलूशनरीज एंड क्राइम्स एक्ट आया था 1919 का जिसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं 1919 का थर्ड है हमारी प्रोहिबिशन ठीक है प्रोहिबिशन का मतलब होता है वी फॉबिड हम प्रोहिबिट प्रोहिबिट नाम में ये प्रोहिबिट यानी मना कर रहे हैं कौन किसको मना कर रहा है हायर कोर्ट हायर कोर्ट एक ऊपर जो कोर्ट है वो निचले वाले कोर्ट को मना कर रहा है बेटा कायदे में रहो अपनी जो तुम्हारा क्षेत्र है उसी क्षेत्र अधिकार में रहो उसको उससे बाहर मत निकलो पैर मत फैलाओ जितनी चादर उतने पैर फैलाओ उसके बाहर मत निकलो ये बोलता है प्रोहिबिशन में ठीक सरश्योर जो है इसका बड़ा भाई है सरश्योर प्रोहिबिशन का बड़ा भाई इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ रट्टा मार लेना इनका टू बी सर्टिफाइड ऑफ ये सब इसका मतलब मैं समझाता समझा तो इसका मतलब वही सेम है इसका बड़ा भाई कैसे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये बोल रहा है ये अपने जुरिस्डिक्शन से निकल चुका जैसे ही मान लो कि मान लो ये ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है ठीक है तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्षेत्र अधिकार नहीं है कि वो कैपिटल पनिशमेंट दे सके मृत्यु दंड दे सके उसने दे दिया हाई कोर्ट बोले क्या भैया क्या कर रहे हो इधर ये केस को लाओ हमारे ऊपर तो वो क्या है केस को छीन लिया यहां पे क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है इस केस में ये अपर कोर्ट हुआ ये लोअर कोर्ट हुआ तो इसने बोला कि क्या वो रिस्ट्रिक्ट करेगा कि अभी गया नहीं है लोअर कोर्ट अपने बाउंडेशन के बियॉन्ड तो वो मना कर देगा जाना नहीं ये क्या है कैसे चलेगा तुम लाओ इधर केस एक तरह से थप्पड़ मार दिया ठीक है एंड द लास्ट इज क्यो वॉरंटो क्यो वॉरंटो क्यों क्यों बैठे हो तुम यहां पे मतलब कि <laughs> इसका मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ ये रिट को तब इशू किया जाता है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल एक ऐसे ऑफिस को होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैडम मान लो लेखपाल बन के बैठा हुआ लेकिन आपको पता चल गया ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है ये ऐसे फर्जी तौर से एहतोरिट इशू की जा सकती है ठीक है क्यों वॉरंट हो खत्म होगा यहाँ पे हमारे रेट्स लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी तो चैप्टर अभी कुछ राइट्स हैं हमारे पास जैसे कि तैंतीस चौंतीस और पैंतीस बहुत ही शॉर्ट में एक एक लाइन के राइट हैं ठीक है इनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं देन हम आगे बढ़ते हैं आगे इन सेंस क्वेश्चन लगाएंगे इसके बाद बिकॉज हमारे खत्म है और डाउट होंगे तो वो आप लोग बता देंगे ठीक थर्टी थ्री की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स या फिर पावर देता है पावर देता है पार्लियामेंट को पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स टू दी पर्सनस ऑफ टू the persons ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज यानी कि जो लोग सशस्त्र बलों में जो हमारे फोर्स के लोग हैं उनको लिमिट किए जा सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनको ये बोला जा सकता है जैसे कि जैसे मेरे फादर सी ए पी एफ में थे ठीक है तो उनको ये अलाउड नहीं था कि आप आ, मतलब कि वर्दी में यूनिफॉर्म में आप इस तरह से डी लगा लो इस तरह से ठीक है तो क्या है तो वहाँ पे आर्टिकल नंबर नाइनटीन का हवाला नहीं दिया जा सकता आर्म फोर्सेज या पर्सनस के द्वारा ये हमें तो राइट टू तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ठीक है क्योंकि अगर जनरल पब्लिक को रोका जा, जा, जा जाएगा तो वो बिल्कुल आर्टिकल 19 का हवाला देंगे बट दीज आर नॉट जनरल पब्लिक आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं चाहे वो मिलिट्री में हो यानी डिफेंस में हो आर्मी नेवी एयरफोर्स या फिर सी में हो दैट इज सी आर पी एफ सी इन सब है ये हों मतलब सब कोई जो वहाँ पे कुक वगैरह भी है उन तक को रिस्ट्रिक्ट करने का पावर इनके पास होता है अब जैसे उनको बोला गया एज ए फॉर एग्जाम्पल ठीक है क्योंकि मेरा अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे ऑलमोस्ट फैमिली ही मतलब कोई आर्म फोर्सेज में है कोई डिफेंस में इस तरह से ही है या फिर कोई पुलिस में जैसे ग्रैंडफादर मेरे पुलिस में थे ठीक है तो आ, ये होता है कि जैसे मान लो जो ऑफिसर्स हैं ठीक है थीके? एक ऑफिसर क्लास है तो आपको ये बोल सकता है कि ग्राउंड की सफाई आप लोग करेंगे ठीक है या फिर यहाँ ये जो चीज़ है यहाँ की साफ़ सफाई आप करेंगे जबकि काम किसी और का है लेकिन वो बोल सकते हैं वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस काम के लिए थोड़ी ना हमें पैसे मिलेंगे तो हम नहीं करेंगे यहां पे आप, आप आर्टिकल 23 का हवाला नहीं दे सकते हैं बगारी का हवाला नहीं दे सकते हैं बलात्श्रम का हवाला नहीं दे सकते हैं तो ये रिस्ट्रिक्ट करने का पावर पार्लियामेंट के पास है आर्म फोसेज तो थर्टी को आर्म फोर्सेस से याद रखना ठीक है थर्टी फोर आते हैं आर्टिकल थर्टी की अगर बात करें तो ये बोलता है कि कहीं पर भी अगर मार्शल लॉ लगा होगा ठीक है कहीं पे भी मार्शल लॉ लगा होगा यानी कि एक तरह से मिलिट्री रूल होगा हम बोल सकते हैं मार्शल लॉ मैंने बताया था मिलिट्री रूल रूल होगा तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है जैसे कि ये मान लो कि एक पार्ट है मणिपुर का जहाँ पे वॉयलेंस हो गया तो यहाँ पर मिलिट्री रूल लग गया तो यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर आर्मी का रूल है शूट एट साइट आउट ऑर्डर्स होते हैं मिलिट्री रूल पर तो ठीक है जहाँ पर कई जगह हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आफ्सपा लगा हुआ है आर्म फोसेस स्पेशल पावर्स एक्ट ठीक है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड है तो ध्यान रखना बस थर्टी फोर मार्शल लॉ से रिलेटेड है अच्छा नेशनल इमरजेंसी भी होता है लेकिन वो हम नेशनल इमरजेंसी वाले टॉपिक में डील करेंगे ना मार्शल लॉ छोटी चीज़ होती है मार्शल लॉ एक जगह पर लगती है छोटी जगह पर नेशनल का मतलब है वो नेशनल इमरजेंसी है तो पूरे राष्ट्र में लगी होगी या फिर बहुत बड़े पार्ट ऑफ कंट्री में लगी होगी एंड द लास्ट राइट इज बिकॉज हमने पढ़ा था हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर ट्वेल्थ से लेकर थर्टी फाइव तक है राइट थर्टी फिफ्थ जो हमारा राइट right है यानी आर्टिकल नंबर थर्टी फाइव ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को लेके लॉ बनाने का काम लॉ बनाने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट का है यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में दंड निर्धारित करना और कानून बनाना ये सब संसद के पास शक्ति है स्टेट जो लेजिस्लेचर है राज्य का विधानमंडल है वो उसके पास ये पावर शक्ति नहीं है ठीक है तो मौलिक अधिकारों से कुछ भी संबंधित कुछ करना है तो पार्लियामेंट ही कर सकती है आर्टिकल नंबर थर्टी फाइव बोलता है अब मैं आपको बता देता हूँ राइट्स वो मौलिक अधिकार राइट्स प्रोवाइडेड ओनली टू सिटीजन प्रोवाइडेड ओनली टू इंडियन सिटीजन यानी वो अधिकार वो मौलिक अधिकार सिर्फ जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है तो इसको याद करने के लिए बस आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है सुबह और शाम मतलब <laughs> अभी आप पांच छह बार मंत्र का उच्चारण उच्चारण करोगे तो याद हो जाएगा मंत्र है पंद्रह सोलह उन्नीस उन्तीस तीस पंद्रह सोलह उन्नीस उन्तीस तीस ठीक है अभी इससे क्या होगा मंत्र से ये मंत्र से ये होगा कि आपको वो सारे आर्ट फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार याद हो गए जो कि सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं अगर मैं आपसे पूछू राइट टू लाइफ जीव जीने का अधिकार क्या ये सिर्फ भारतीयों को मिला हुआ है ना क्योंकि ये राइट टू लाइफ तो 21 में 21 तो इसमें है ही नहीं बाकी जितने भी हैं 14 ठीक है 17 18 बीस इक्कीस बाईस वो सबको मिले हुए हैं इंडियंस को तो सारे राइट्स ही मिले हुए हैं ये छोड़ के जो बाकी हैं वो फॉरनर्स को भी मिले हुए हैं ये फॉरनर्स को नहीं मिले हुए हैं ठीक है तो अगर मैं बोलूं कि बताओ कि जो कल्चरल और एजुकेशन राइट हैं वो फॉरनर्स को मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए आंसर इज नो नहीं मिले हुए क्योंकि ये सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं तो पंद्रह सोलह उन्नीस सौ उनतीस तीस पंद्रह क्योंकि आपको पता है पंद्रह में क्या है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है सिक्सटीन में क्या है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है तो आपको पता है कि पंद्रह में क्या सोलह में क्या उन्नीस में क्या उनतीस में क्या तीस में क्या, में क्या 30 में या फिर किसी भी फंडा आर्टिकल में क्या कौन सा फंडामेंटल राइट है तो बस पंद्रह सोलह उन्नीस उन्तीस तीस पंद्रह सोलह उन्नीस उन्तीस तीस से याद रखो बार बार तो इससे क्या होगा कि आपको ये वो याद हो जाएंगे आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये है कि नहीं वो है कि नहीं बस पंद्रह सोलह उन्नीस उन्तीस तीस बात खत्म इसके आगे कोई बात ही नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं और ओह थैंक यू बड़ी जल्दी आ गया आज हाँ तो चलो थैंक यू तो फिर है अब आपको ट्रिक बता देते हैं बिकॉज कुछ हमारे छात्रगण ट्रिक कि काफी मांग उठाते रहते हैं कि कैसे इन मौलिक अधिकारों को याद रखें ठीक है तो आर्टिकल नंबर 19 वाले तो सर एंड मैम मैंने आपको बता दिए थे कि सामरों से आप याद कर सकते हैं बाकी आप ऐसे याद कर सकते हैं देखिए यहाँ पे जगह है क्या हम्म यहां पर है जगह ठीक है तो यहाँ पर तो देख लेते हैं ट्रिक टू लर्न द फंडामेंटल राइट्स ओ ट्रिक में काफी आप लोगों का मजा आता होगा ना लॉ क्रिएट्स ऐसे करके याद कर सकते हो लॉ क्रिएट्स डाउट लॉ क्रिएट्स डाउट एंड क्लियरली बस लॉ डाउट क्रिएट्स डाउट क्लियरली से है एल से क्या है एल से कुछ नहीं लॉ से है ठीक है राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल ट्वेल्व सॉरी फोर्टीन क्रिएट से कुछ नहीं है डी से क्या है आर्टिकल नंबर फिफ्टीन किसकी बात करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ओ से क्या है राइट टू ऑपर्चुनिटी इन राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गया यू से यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन बी से क्या है बी से कुछ नहीं है टी से क्या है टी से टाइटल टाइटल है है ठीक टाइटलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल नंबर एटीन देन नाइनटीन मैंने आपको बता दिया सामरो से सारा नाइनटीन आपको याद हो गया है ठीक है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो सामरो से जो है सारा आर्टिकल नंबर 19 याद है आपको सी से क्या है शामिलो फिर से रिपीट करता हूँ स्पीच एक्सप्रेशन असेंबल ठीक है एसोसिएशन मूवमेंट रिसाइड ऑक्यूपेशन सी से है आर्टिकल 20 uh, uh, अनुच्छेद 20 कैसे है प्रोटेक्शन इन सर्टेन प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विकशन ऑफ ऑफेंसेस तो सी से कन्विकशन है ठीक है एल से क्या है एल से है राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ई से क्या है राइट टू एजुकेशन 21 वन ए ए से क्या है 22 टू यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर से क्या है 23 23 से आर नहीं होगा क्योंकि इससे तो कोई आर कुछ बैठ ही नहीं रहा इससे होगा ट्वेंटी थ्री यानी कि लेबर ठीक है चाइल्ड लेबर ट्वेंटी और ट्वेंटी से याद कर सकते हो लेबर ट्वेंटी थ्री में लेबर है फोर्स लेबर नहीं हो सकता ट्वेंटी फोर में क्या है चाइल्ड लेबर बाकी कि आप थोड़ा अपना बना लेना ठीक है पच्चीस छब्बीस सत्ताईस उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतने ज़्यादा लेकिन फिर भी आप बना सकते हो ठीक है इतना तो याद हो गए चौदह से लेकर उन्नीस तक सॉरी चौबीस तक बाकी तो थोड़ा आप याद कर ही सकते हो बाकी अब हम करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है काफ़ी टाइम लग गया यार पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है <laughs> कल से रेडबुल ले कर बैठना पड़ेगा मतलब मंडे से क्योंकि फंडामेंटल राइट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना तो मैं बिल्कुल रिस्क के मूड में नहीं था कि एकदम मैंने सोचा आज पूरी एनर्जी जो है आपको जोक देनी है क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए जल्दी से करो क्वेश्चन को अब तो फंडामेंटल राइट्स आर मेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो किस उसमें है पार्ट नंबर थ्री में है फोर पढ़ा नहीं है अभी ये सब बाकी पढ़ा नहीं है तो भाग नंबर तीन अनुच्छेद बारह से पैंतीस में है तो फ्रॉम विच कंट्री फ्रॉम विच कंट्री हैज द ऑफ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ विच रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स बॉर्ट तो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले मार्शल लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है तो ये मौलिक मार्शल लॉ मार्शल लॉ हमने किससे सीखा है यूके वालों से सीखा है तुरंत मार्शल लॉ लगाते थे है ना जैसे हमारे रेवोल्यूशनरीज़ कुछ करते थे तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गिवन दी नेम ऑफ द मोस्ट एनलाइटन बाई अम्बेडकर जी ने मोस्ट एनलाइटन पार्ट किसको बोला है तो ये मौलिक अधिकारों को बोला पार्ट नंबर थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बोला है ठीक है बिकॉज वही पढ़ रहे हैं अभी तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल राइट्स कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं सर किसी की दिल चोरी होने पे भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकते है, हैं दिल चोरी पढ़ लियो बेटा सीपीओ 2023 में तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट लॉस इन कंसिस्टेंट विद पार्ट थ्री बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और वॉइड क्या है विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट लॉस ओके ठीक है मतलब कि कोई भी अगर लॉ बनता है जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध होता है तो उसको नल एंड वर्ड डिक्लेयेर किया जा सकता है आर्टिकल नंबर थर्टीन बोलता है ट्वेल्व में स्टेट की डेफिनेशन है थर्टीन में जो भी लॉज बनाए गए हैं जो कि परमानेंट लॉज हैं बाई लॉज हैं ठीक है ऑर्डिनेंसेज हैं ये सब जो है जल्दी जल्दी करवाओ क्वेश्चन बेटा जल्दी जल्दी इतना भी नहीं करते हैं ठीक है <laughs> कुछ चीज़ें जो है थोड़ा आराम आराम से की जाती नहीं जल्दी जल्दी में रिजल्ट मिलते नहीं है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड औरिजिनली बाई कॉन्स्टिट्यूशन कितने राइट्स ओरिजिनली यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने थे सेवन थे अभी कितने हैं सिक्स हैं ठीक है हमें पता है राइट टू तो इक्वलिटी चौदह से अठारह फ्रीडम उन्नीस से बाईस तेईस से चौबीस तेईस और चौबीस एक्सपर्टेशन पच्चीस से लेकर अट्ठाईस तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता उनतीस तीस कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एंड बत्तीस राइट टू कॉन्टीट्यूशन रेमेडीज विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद राइट टू इक्वलिटी समानता के अधिकार से संबंधित है तो कौन सा है चौदह से अठारह ये क्या है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है धार्मिक स्वतंत्रता है उन्नीस सौ बाईस क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तेईस चौबीस क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सपेटेशन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर दी लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नेगेटिव कॉन्स ब्रिटेन से लिया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से लिया है आर्टिकल नंबर फोर ऑप्शन नंबर डी पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फंडामेंटल राइट कितने राइट दिए हुए हैं विच आर द फॉलोइंगल स्टेट स्टेट्स स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अगेंस्ट एनी ओनली क्या लिखा हुआ अगेंस्ट एनी ऑन ग्राउंड ओनली ठीक है ओनली वर्ट ध्यान से देखिए मैंने आपको मतलब भी समझा था इसका क्या ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट एन प्लेस ऑफ बर्थ फिफ्टीन ठीक है विच आर्टिकल ऐसा तो कोई नहीं ना कि मतलब यहाँ पे सर ये कैसे हो गया ऐसा तो आहा मोमेंट तो नहीं आ रहा ना तुम लोग साथ की ये सर कैसे होगा कैसे कर दिया आपने ये आर्टिकल 15 ऐसा तो कोई नहीं है ना सब कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी एकदम अच्छे से पढ़ के आ रहा है अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में होगा 17 में 20 क्या बात करते हैं प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सर्टन कन्वेक्शन ऑफ अफेंसेस एट्टीन क्या है टाइटल उन्नीस क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अज्यूम अ सिचुएशन वेयर ए हैज़ गॉन टू अ सिनेमा हॉल ठीक है सिनेमा हॉल जाता है ठीक है उनकी मेड बैठी होती हैं वही सीजल 2023 में 20 जुलाई को पूछा गया ये ठीक है फर्स्ट शिफ्ट में ही तो क्या आंसर होगा मैंने आपको बताया भी था

विच आर द फॉइंग आर्टिकल गिव दी राइट टू अंडेट बिलोंगिंग टू एनी कास्ट टू अपलाई फॉर एनी ऑफ दी पब्लिक एम्प्लायमेंट ऑपॉर्चुनिटी अब जल्दी बताइए पब्लिक एम्प्लायेंट वाला कौन सा आर्टल था चलो तो अगर हम बात करें तो आर्टिकल गिव्स द राइट टू कैंडिडेट ठीक है तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल नंबर सिक्सटीन सब प्लॉस टू ठीक है अंडर विच आर्टिकल डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत रत्न और पद्मश्री अवार्ड देती है एट्टीन होगा मैंने बताया था टाइटल जो है अबॉलिड है लेकिन हेरिडेटरी वाले अबॉलिड हैं लेकिन अगर जैसे भारत रत्न किसको मिलता है सची, सचिन तेंदुलकर को मिल रखा है ठीक है भारत रत्न तो क्यों मिला क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा देश को रिप्रेजेंट किया इसलिए मिला ठीक है विच ऑर द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटेडेड बाई आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद पच्चीस के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है तो ये राइट टू तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑप्शन नंबर बी इक्वालिटी क्या चौदह सौ अठारह कल्चर एजुकेशन उनतीस तीस कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज बत्तीस ठीक है अगला है हमारा एटीनथ द फोर मोस्ट पच्चीस तक करेंगे उसके आगे जितने भी होंगे वो आपका होमवर्क होगा ठीक है द फोर मोस्ट राइट अमंग द राइट टू तो फ्रीडम इज इन स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है राइट टू फ्रीडम अगर और ये भी सीजीएल 2023 हज़ार का क्वेश्चन ये मत समझिएगा इसमें लिखा नहीं हुआ है तो वो नहीं है सीजीएल सॉरी तेईस नहीं बाईस का है हंड्रेड परसेंट आई एम श्योर ठीक है सीजीएल बाइस का क्वेश्चन है फोर मोस्ट राइट है राइट टू तो फ्रीडम की अगर हम बात करें उन्नीस सौ लेकर बाईस तक है ना राइट टू तो फ्रीडम इसमें से सबसे प्रमुख कौन सा है उन्नीस वाला है बीस वाला है इक्कीस वाला है बाईस वाला, वाला है सबसे आपको क्या लगता है सबसे प्रमुख कौन हो 21 होगा इसमें से इक्कीस होगा क्यों क्योंकि 21 भारत का तो राइट टू लाइफ भाई लाइफ ही नहीं होगी तो फिर क्या है राइट टू अगर लाइफ ही नहीं है तो फिर बाकी के राइट क्या करेंगे जब लाइफ ही नहीं है तो ठीक है उन्नीस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मैंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है ठीक है पच्चीस से अट्ठाइस उन्नीस से uh, 19 से बाईस चौदह से अठारह राइट टू वोट नहीं है ठीक है इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इट इज अ काइंड ऑफ बोल सकते हैं ड्यूटी तरह का बोल सकते हैं राइट या फिर राइट टू वोट हम बोल सकते हैं एक तरह का लीगल uh, राइट right है ठीक है राइट टू वोट विच ऑर द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड आर्टिकल नाइनटीन एंड इंसर्टेड

और फिर हमने इसमें भी देखा था कि पाल इसमें अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने ये भी ये बोला था कि इसमें कुछ भी हम डाल देंगे हम या फिर स्टेट लेजिस्लेचर तो वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होगा तो उसके बाद आईआर कोहेलो केस में क्या बोला था आईआर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है इसके पहले जो आप डाल दिए सो डाल दिए अब इसके बाद जो भी डालेंगे उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकती है ट्वेंटी वन विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विशन फॉर ऑफेंसेस सी से कन्विक्शन सी से आर्टिकल में ट्वेंटी ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी right बार बार वही चीजें आ रही हैं ठीक है ट्वेंटी टू के ए नजीब वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विद विद्यूशन ऑफ राइट्स अंडर वॉट ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्वेश्चन सीजल दो हजार तेईस से पूछा था और करंट अफेयर्स रिलेटेड था ये दो हज़ार इक्कीस का ऐसा कुछ था नजीब भाई ने क्या किया था एक प्रोफेसर थे उन्होंने एक क्वेश्चन साउथ इंडिया के उन्होंने क्वेश्चन एक ऐसा पूछ लिया कॉलेज एग्जाम में मुस्लिम कम्युनिटी को हर्ट हो गया वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था और ये नजीब ने क्या किया निकला वो बड़ा सा चाकू लेके और उनका हाथ काट दिया समझ रहे हैं आप तो इसको जो है बंद कर दिया जेल में और काफ़ी टाइम से बंद रहा तो इसने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए जो है बेल ले ली कि भाई जो है उसको प्रताड़ना मतलब तो उसको खिलाफ इसमें ये होता है राइट टू स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 मैंने बताया बहुत वाइड होता है ठीक है बहुत वाइड होता है तो फिज़िक्स सर हो जाएगी हिमांशु का है मतलब पॉलिटी ख़त्म हो जाने दो भाई इसके बाद फिजिक्स ही करवाएंगे ऐसा लग रहा है कि तुम फिजिसिस्ट ही बन जाओगे एच सी वर्मा को सीधे जाके चैलेंज मारोगे तुम लोग पीछे पड़ गए मतलब जो नंबर मैं देता हूँ ना जो जो ये क्वेरी जो वेरी देखते हैं मतलब वो कहते हैं भाई फिजिक्स करवा दो भाई हमारा दिमाग ख़राब किए रहते हैं वो लोग स्टूडेंट तुम्हारे कि मतलब फिजिक्स क्यों नहीं हो रही फिजिक्स क्यों नहीं हो रही करवा दो फिजिक्स ठीक है तुम करवा दूंगा भाई तुमसे मैं हाथ जोड़ता हूँ बस थोड़ा रुक जाओ पॉलिटी करवा देने ठीक है तो नजीब ने जो है आर्टिकल ट्वेंटी वन का हवाला दिया था ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा ट्वेंटी थ्री अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ द राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ वॉज रिटेन ड्यू टू विच केस तो कौन सा केस था मैंने आपको केस भी बताया था ट्वेंटी वन को एबॉलिश नहीं किया जा सकता बिल्कुल किया जा सकता है परमानेंट नहीं होते हैं लेकिन सुप्रीम हमारा जुडिशियर भी बैठा हुआ है फिर है ना सर लव मैरिज इसमें शादी अंजुम बताते हैं अभी रुक जाओ, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी जाएंगी ड्राइविस बीट द हीट सर आई लोवे यू अच्छा बेटा जिस दिन तुमने वो पारी खेली थी ना फाइनल्स में उसी दिन से तुम्हारे ऊपर चिड़ आ गई हमको तुम बोलो आई लोवे यू तुम मिल जाओ ना इसे किसी दिन तुमको सूद देंगे पकड़ के तुमको आर्टिकल ट्वेंटी वन शंकरी प्रसाद केस ना ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में ठीक है ये नहीं 21 पार्ट ऑफ तो केस तो इसका सही आंसर होगा आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ठीक है लेकिन अगर ये रिसेंट में करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा तो इसका आंसर ये भी हो सकता है ओलगा टेलिस वाला भी ठीक है अगर ये करंट से रिलेटेड होके पूछा गया बिकॉज ये रिसेंट का केस है और ये आर्टिकल ट्वेंटी वन से रिलेटेड था ठीक है द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ द राइट टू एजुकेशन तो क्या होगा राइट टू एजुकेशन ये है आपका प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये आपका राइट टू एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी ठीक है कन्वेशन right फॉर आपका क्या है सोशन के विरुद्ध अधिकार ठीक है यानी कि फोर्स लेबर नहीं करवाया जा सकता ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस इसके बाद जो भी होंगे वो आप खुद से करेंगे विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम बींग पनिश्ड मोर देन वंस एक से ज्यादा बार इसको क्या बोलते हैं नो डबल जियो पार्टी किसमें बताए थे तीन चीजें आपको नो एक्सपोज फैक्टो लॉ नो डबल जियो पार्टी नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन आर्टिकल नंबर ट्वेंटी में बताए थे आपको ठीक है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा यहाँ पे और अब है? है कितने क्वेश्चन हैं ये हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव से लेके कितने हैं फिफ्टी तक हैं क्या हाँ आधे क्वेश्चन हुए अभी <laughs> कोई <laughs> को नहीं ये सब आप कर लोगे आराम से ठीक है अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट ये कौन सा रेट बताता जरा बता दो जल्दी से सर ब्रेकअप को कैसे डील करें बेटा फेविकले लेके आओ और जोड़ दो जो ब्रेक हुआ है ठीक है तो आंसर क्या होगा इसका अरेस्टेड पर्सन uh, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ ऑप्शन नंबर ए ठीक है मैंडमस क्या है मैंडमस का आप खुद से रिकॉल करो अपने दिमाग में कि मैंडमस का एक्चुअल मतलब क्या है खुद से आपको दिमाग में चीजें चलनी चाहिए वी कमांड सी टू बी सर्टिफाइड ऑफ क्यूर एंड टो बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ ठीक है और ए बी स्कॉर्पस को लिमिट किया गया था इन दी रॉयल एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन और कोई अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ये कर लो अच्छा लास्ट क्वेश्चन विच आ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टूशन रेमेडीज कितना आसान सा क्वेश्चन है कॉन्टीट्यूशन रेमेडीज किस में दी हुई थर्टी टू ठीक है 32, तो अभी खुद से करने के आप योग्य हैं और आपकी योग्यता को <laughs> मद्देनज़र मद्दे रखते हुए सेशन को भी यहाँ पे किया जाता है एंड ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में तो वहाँ से आप कर सकते हैं बाकी अब जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं एक अच्छी सी रील का आनंद लेंगे जो कि अभी बस पाँच मिनट के अंदर अपलोड शायद हो जाएगी ठीक है और उससे आज ये प्रूव किया जाएगा कि पाकिस्तान का एक नहीं पाकिस्तान के दो बाप हैं वो आज जो है उस रील के थ्रू प्रूव किया जाएगा खैर तो यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होता है मिलते हैं मंडे को ठीक है मिलते हैं मंडे को विद दी डी और एफ यानी फंडामेंटल ड्यूटी करेंगे अगले वीक तक हमारी पॉलिटी मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म हो जाएगी ठीक है चलिए धन्यवाद सभी को फिर से समझा दीजिए पांच रेट को तो फिर से आप वीडियो को पीछे कर लीजिए और देख लीजिए फिर से यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन का ठीक है कोई एक चीज़ ना आई हो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ फिर से कर दीजिए या वंस मोर थोड़ी ना चल रहा है तो मतलब पीछे कर लो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है समझ में आ ही जाएगा पहली बार में तो पीछे कर लो और देख लो ठीक है सिंपल या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट होना समझ में आया तो आप बता दो <laughs> नहीं चाइना नहीं अब आप ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के दो बार चाइना नहीं नहीं, नहीं चाइना नहीं है चाइना इज़ द रॉन्ग आंसर और जिसको भी मैंने पिछले वीडियोस में नंबर दिए जिसको भी जो दिक्कत होती है पूछ सकता है परमारा अकेडमी आपसे कोर्से सेक्शन में अगर आपको कोर्स वगैरह में एनरोल करना हो तो आप ले सकते हो ठीक कोर है कोर्स वगैरह वो सर रूल ऑफ़ लॉ समझा दीजिए रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सारे जो लॉ होते हैं सारे नियम होते हैं ये सभी को ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन इज अबव द लॉ बताया तो था मैंने आपको वो जो ब्रिटेन वाला कॉन्सेप्ट है ठीक है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं कानून के सामने सब कोई समान है ठीक है बेरोबारी केस क्या बेरोबारी केश वंशिका बेरोबारी केस हम लोग देख चुके हैं ना जहाँ पे बेरोबारी केस में ये बोला था आ, सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियांबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड लेकिन फिर के बीसी केस में उस चीज़ को रिवर्स कर दिया था हमने पढ़ा था ठीक है और बेरोबारी हमने ये भी देखा था कि अगर इंडिया की टेरिटरी सीड करनी है दूसरे देश को देनी है तो आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी एट के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा ठीक है लेना है तो नहीं करना पड़ेगा आर्टिकल नंबर टू के तहत आप ले सकते हो ठीक है अभी मैं फिर दूसरा अपना अगेन रॉन्ग आंसर रॉन्ग आंसर आप गेस कर ही नहीं सकते हो जबकि वो पॉलिटी से रिलेटेड है जो कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड है खैर अभी आपको पता चल जाएगा धन्यवाद सभी को मिलते हैं मंडे को थैंक यू